शिवा बसवा अभी भी जिंदा है शिवा। आप लोग चलिए मैं आता हूँ। अरे भैया हाँ। कब तक धुआं उड़ाते रहोगे, चलो खाना तैयार है। हाँ ठीक है तू चल मैं आता हूँ। बस करो चलो अब। हाँ हाँ आता हूँ, चलो खाना तो खा लेता हूँ ना। अबे कौन हो तुम लोग? शिवा मत मारो शिवा। हर हर महादेव, शंभो शिव शंकरा, ओम शिवोम। हर हर महादेव, शंभो शिव शंकर। हर हर महादेव, शंभो शिव शंकर, ओम शिव ओम। ये क्या हाल हो गया भगवान? बसवा 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 बसवा। पीछे हटिए। माफ करने वाले को उसका फल भुगतना पड़ता है, गलती करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करता। आज नहीं तो कल ये कुछ ना कुछ तो सबक सीख लेगा, ये सोचकर कितना मौका दिया इसे, फिर भी नहीं समझ पाया ये। कितना साथ दिया हमने इसका लेकिन नहीं समझ पाया, अंत में है ना एक भिखारी की तरह मर गया। पाप करने वाले का यही अंत होता है, भगवान ऐसी सजा ना दे। आखिर कौन है ये? राजू चलो जाओ जाकर पुलिस स्टेशन में खबर पहुँचा दो। देखो अब रोने से कोई फायदा नहीं, उसने गलती की उसकी सजा मिली उसे, अब स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा, छोड़ो चलो घर जाओ। चलो चलते। सुनिए आपने कहा था ना वो जो बंदा मरा था उसके बारे में गाड़ी में बताओगे, क्या कहानी है? सर आप ही बताइए ना। हाँ सर बताइए ना। सर वो बहुत बड़ी कहानी है। 20 साल पहले जब मैं यहाँ ड्यूटी पर तैनात था ना, तब क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। लगता है कोई रास्ते में गिरा हुआ है। अरे चलो उतर कर देखते हैं। अरे क्या हुआ इसको? ये लो भाई पकड़ो पकड़ो रखो। अरे ये क्या मुसीबत है, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। अरे ए ए ए चोर, गाड़ी की चाबी चुरा ली, पुलिस को फोन करता हूँ, आसपास कोई दिखा भी नहीं, पुलिस ही ठीक करेगी इनको, पता नहीं क्या करते हैं लोग। ए ए चोर ए चोर चोर भी।
से आ रहा है। चोर! क्या हुआ सर? वो चोर मेरा बैग चोरी करके भाग गया। मैं आपको आपका बैग दिला के ही रहूंगा, मैं उस चोर को नहीं छोड़ूंगा। ए रुक जा! ओ शिट, चाबी भी ले गया, मोबाइल भी ले गया, क्या करूं अब मैं यहाँ पर? अच्छा सुन माचा, तलवार ऐसे किसी ने घुमाई थी क्या? मामा मामा, हाँ, उस बेवकूफ को पता ही नहीं चला कि ये नकली तलवार है। मामा बोल माचा, ऐसा लगता है मेहनत करके पहाड़ खोद के सोना पा लिया हमने। इसमें लगता है सोना चांदी पैसा जरूर होगा। पहले आप इसको खोलो मामा। माचा तू ही खोलना इसे। मामा आपकी किस्मत आज बहुत अच्छी है, तो आप इसको खोल दीजिए। भाइयों दोनों में से कोई भी एक खोल दो और मुझे दे दो, बहुत कर्जा है भाई। अबे चुप होए, तू है कौन बे? भाइयों आप सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने की है। वो आनी रख। अबे सालो चुप रहो थोड़ा, पहले हम इस बैग को खोल के तो देखें कि इसमें है क्या। मामा आप इसको खोलिए मामा। अरे इसमें क्या है, मैं ही खोल देता हूँ इस बैग को। माचा खोदा पहाड़ निकला चूहा, रख इसे। मामा हाँ बोल। मैं जानता था मामा उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। सच में माचा? मामा आप जानते हैं वो कौन है? हाँ। वीरों के वीर फिल्म का डायरेक्टर सत्य सम्राट है वो मामा। क्या बात कर रहा है, कुछ भी वाके जा रहे हो। डायरेक्टर के पास कहाँ से इतना पैसा आता है? हाँ किसी प्रोड्यूसर को पकड़ ले तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता तुम्हें। तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता है। भाई लोग तुम्हें मालूम है हमारा सीन कैसा हुआ? बता कैसी है? ऑपरेशन सक्सेसफुल लेकिन पेशेंट डेड हो गया है, बस ऐसा ही हाल है हमारा। चलो वैसे भी चोरी करना ही है ना, चलो किसी और को पकड़ते हैं, क्या कहते हो? मामा हाँ बोल। पास के गांव में फंक्शन चल रहा है, वैसे भी वहाँ कमिश्नर आ रहे हैं, चलो चलकर वहाँ पे कुछ चक्कर चलाते हैं। मामा ठीक है, आजमा के देख ही लेते हैं। ए, क्या कहा कमिश्नर? ए कमिश्नर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चलो निकलते हैं। चुप बैठना यार, क्या करें अब, कैसे जाएं वहाँ? ओ चोरों के गैंग, हाँ? तुम सब ड्रामा कर रहे थे, मैं समझ गया कि तुम सब एक ही टीम के लोग हो। तुम मुझे एक्टिंग करके दिखा रहे थे और तुम मेरा मोबाइल लेकर भागे। देखो डायरेक्टर तो मैं हूँ और तुम मेरे सामने कहानी बना रहे हो। तुम मेरा बैग लेके भागे, मेरा मोबाइल लेके भागे, वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुमको शूट करूंगा। मामा इस बैग को बंद करके आप ही दे दीजिए। नहीं माचा तुम ही दे दो। चल निकलते रे। अबे तू दे दे। मुझे कुछ मत करो। और सर ये शूट कर दूंगा। सर जाने दे सर। सर देता हूँ सर। गोली मारूंगा तुम सबको। ये मैं देता हूँ। चाबी दे सर। ये लो सर। लो मोबाइल भी दो। मोबाइल सर चलता हूँ। सर ये बंदूक लेके जाओ, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ले जाओ। ये चलना चलते। चलो कम से कम ये तो दे दी। मामा चलो भी, वैसे गन हाथ लग गई है, उड़ा दूं क्या साले को? हे बेवकूफ, शूटिंग की गन है। ओ अच्छा तो ये शूटिंग की गन है। साला जो भी मिल रहा है सब नकली मिल रहा है, शुरुआत में ही पनौती लग गई। मामा 6 बजे की ट्रेन है मामा, जल्दी निकलते हैं। गांव छोड़कर जाना जरूरी है क्या? मामा इसे गांव कहते हैं? ये गांव नहीं है, शमशान है। मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, बात को समझो। मामा वैसे भी गांव छोड़ के जा ही रहे हैं, जाते जाते भगवान से कुछ मांगते हुए जाते हैं। क्या मांगना है? ये मांगो कि कम से कम आगे का रास्ता हमारे लिए रंगीन हो। मामा हे महादेव हम जा रहे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। इसे तो मैं पटाके ही रहूंगा, मामा को कैसे समझाऊं? अपना मामा है ना, समझा दूंगा मैं। मामा हाँ? ये आगे वाली मामा के लिए ठीक रहेगी और ये पीछे वाली सुंदर सी ये मेरे लिए। मामा ये क्या है? मामा भगवान के आगे हाथ जोड़ने के बाद अप्सराएं स्वर्ग से उतर आई। मामा मामा अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। मामा मैंने इधर ही रहने का फैसला किया। मामा ये माशा तू पागल हो गया क्या? कभी गांव छोड़कर जा रहा है और कभी मना कर रहा है तू? सच में पागल है। मामा समझा करो। मामा मैं समझाता हूँ। चलिए मामा आप वो नहीं समझेंगे। मामा आप देखते रहिए, आगे आपको पता चल जाएगा। एमएलए सर ने फोन किया था, इस बार सीट नहीं मिल पाएगी भैया। एमएलए अगर इस बार मुझे सीट नहीं मिली ना तो इस गांव में पैर नहीं रखने दूंगा।
होल सेल में खत्म कर दूंगा। टीवी पे दिखाने दो, पेपर में लिखने दो, मैं ध्यान नहीं देता। फनक ए, ये पकड़। आखिरकार दिख गई, आ रही है। महादेव, आज हम पर आखिर कृपा बरसा दी। महादेव, अगर उन दोनों ने हमें पलट के देखा तो वो हम पर फिदा है, वरना आज हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। पलट पलट। मामा, मामा कल जैसे हमने मंदिर में देखी थी, हाँ। आज उससे भी कई ज्यादा सुंदर लग रही हैं। सच में मामा, अगर जान देनी है ऐसी लड़कियों पे जान देना बनता है मामा। जान दे देना तो इतिहास के पन्नों पर अमर प्रेमी हो जाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो ठीक है, पर किसकी जान की बात कर रहे हो? आपकी ही मामा। हे माचा, क्या बात कही है? क्यों मामा? हे माचा, अब सुबह सुबह क्यों जान देनी पड़ेगी? तुम्हारे लिए तो पटा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें जान देनी पड़ेगी। अब से रोज हमें इनके पीछे पीछे जाना होगा। हो गया तुम्हारा शुरू, चलो अब। बाबा, इस खतरनाक जानवर को कितना ढूंढने पर भी ना मुझे बहुत छुप कर घुमा रहा था बाबा। इस कमीने को ना बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला है बाबा, इसको जाने नहीं देना अभी। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। शाबाश बेटा, शाबाश, तूने दिल जीत लिया। गलती, तू मेरा ही बेटा है, जैसे तैसे करके पटेल की तूने इज्जत बचाई। माफ कीजिए, गलती हो गई पटेल। माफ कीजिए पटेल जी, माफ कीजिए पटेल जी, माफ कीजिए, अब से नहीं, गलती हो गई। तुम्हें पटेल के घर की लड़कियां चाहिए, जानता है कि पटेल कैसा है। माफ कीजिए, अब तू जिंदा नहीं रहेगा। माफ कीजिए, अब से अगर किसी ने पटेल के घर की लड़कियों पर नजर डाला तो उसका यही अंजाम होगा। गलती हो गई। ए, इस लाश को ले जाकर कहीं दूर दफना दो। हमारे घर की तरफ देखने वाले का यही अंजाम होगा। ए, चलो यहाँ से। आज हमारा राइट टाइम है, हमारी प्रेमिकाएं घर के सामने ही रंगोली बना रही हैं। आज हाँ या ना में फैसला हो जाना चाहिए। चलो, अच्छा हुआ उन्होंने हमें देखा नहीं। भैया, अब भी वक्त है, चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी। चलो। ए, अब देख मेरा कमाल, लड़कियाँ कैसे देखती हैं मुझे। हाँ? बहुत बढ़िया मचा। चलो बे, अब देखना मजा। क्यों मवालियों, सीटी किसने मारी? हाँ, ज्यादा गर्मी चढ़ गई है क्या? गांव में रहना है कि नहीं, जानते हुए भी सीटी बजा रहे हो? पता है ना कि हम कौन है? पटेल के घर की औरतें हैं, समझे? हे शशि, मुँह क्या देख रही हो? खींच के दो लगाओ इसको। हेलो, मैंने तुम्हें देख के सीटी नहीं बजाई, तुम लोग मुझे गाय की तरह देखी इसलिए सीटी बजाई। ये मेरा गाँव है और मैं सीटी नहीं बजा सकता। मारना है ना मुझे या फिर मामा को? नहीं, देख रही मतलब? हो, साथ में ये जो दो बकरी आई है ना, इन दोनों को मारना। दीदी, अगर मारना हो ना तो इन दो बदमाशों को ही मारना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तो चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। मामा, ये तो भाग गया यार। मामा, वो जाता है तो जाने दो उसको, बगल में एक और बकरी है। एक बात बताओ, सीटी बजाना गलत बात है? अब तुम मुझे गाय की तरह दिखी इसलिए मैंने सीटी बजाई। कुछ भी हो, ये मेरा गांव है, मेरे गांव में मैं ही राजा हूँ, समझ में आया? हम गाय है और तुम लोग कौन हो भला? अपने आप को सांड समझते हो? अकल नहीं आई ना तो जमीन पर लेटा कर जूते पड़ेंगे। हेलो, मारना है ना तो मुझे नहीं, मेरे बगल में जो बकरी खड़ी है उसे मारना तुम लोग। ए, क्या बोल रहे हो, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई, मैं तो चला। अबे रुक रुक रुक, ये क्या है मामा, ये भी भाग गया। तो तुम्हें प्यार है? प्यार करने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, चल चलता बन, पीछे मुड़कर मत देखना। हेलो, क्या देख रहे हो इनको? दुकान के नीचे दो इन बदमाशों को, तभी यहाँ से जाएंगे ये लोग। मामा, ये बोल रही थी ना कि पीटेंगी हमें, इसका मतलब क्या है मामा? चलो हम दोनों ही मार खाते हैं मामा। ए माचा, बात ये सब नहीं है। मेरे कहने के मतलब हाँ। अरे बाप रे, मामा आगे हमें बहुत कुछ करना है मामा, चलिए चलते हैं यहाँ से। हाँ चल भांजी, चल चल, जाओ जाओ। ये क्या ये बदमाश, हमें कल भी मिलेंगे, देख लेना। आ जाओ, चलो चलो। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या है, क्या चाहिए? आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। वो क्या है ना, मेरे मामा के भविष्य के बारे में बात करनी है। अगर आप सपोर्ट करेंगी तो मेरे मामा के भाग्य ही खुल जाएंगे। भाई दाल निकलने वाली, अबे निकाल ना लेटर।
लेटर। हे, लेटर को अंदर रख, चप्पल से मारूंगा तुझे मैं। ओए, क्या प्यार कर रहे हो? प्यार के लिए फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। कल ही बताया था ना, ये प्यार के चक्कर में मेरे आगे पीछे घूमोगे, मेरे भैया और बाबा को पता चलेगा तो काट कर फेंक देंगे। एक्सक्यूज मी शिवा, दो मिनट में वापस आ। रुक रुक। हेलो, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? शक्ल देखिए अपनी, आई बड़ी प्यार करने वाली, तू मुझे पटाएगी। हेलो, तेरी बहन और मेरे मामा को मिलाकर शादी कराने की बात की है मैंने, समझने की कोशिश कर। क्या कहा? मुझसे शादी? मुझसे कौन शादी करना चाहता है? ये जो खड़ा है ना, मेरा मामा, इससे, इसी से, जानती हो, जमीन फोड़ कर उसमें से पानी निकाल सकते हैं। आखिरकार दोनों में जैसे मैंने सोचा था वैसा प्यार हो ही गया, जल्द से जल्द इन दोनों की शहनाई बजानी पड़ेगी। ए, इन बदमाशों से क्या बात करनी, चलो चलते हैं। अरे रुक ना, तू जा, मैं आती हूँ। भाड़ में जाओ तुम। ये लड़की मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाएगी। क्या बात है, कितना गबरू जवान है ये, अब बस मुझे प्यार मोहब्बत में फिक्स हो ही जाना है। मामा, 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 अबे बकरी, मेरे मामा को प्यार हो ही गया। मामा, 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 ए प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। प्यार नहीं था तो फिर बेहोश क्यों हो गए मामा? इसको क्या हुआ? ए मचा, रात भर नींद में क्या बड़बड़ा रहा था तू? हाँ, कुछ पूछना था ना मामा? ना, मुझे शर्म आ रही है मामा, जाने दीजिए मामा। क्यों मचा? अरे शिवू, पूछो ना शिवू, वैसे भी हम लोग शादी करने ही वाले हैं। शशि, कैसे पूछ लूं? आयशु, शादी के बाद खुशहाल जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चाहिए? और क्या चाहिए, सामान चाहिए? अरे बेवकूफ लड़की, वो ऐसा नहीं है, कौन सा सामान चाहिए खुलकर बोलो, नहीं तो लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे। अरे ऐसा मैंने क्या कहा, बर्तन वर्तन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह वगैरह, बस इतना ही, और क्या कहा मैंने? ओ, इतना ही है क्या? मैंने तो कुछ और ही समझा था। क्या समझ रहे थे शिवा? जाने दो, अगर मैंने बोल दिया ना तो सेंसर वाले ऐसे ही कट कर देंगे। अरे ये कहाँ से आ गया? क्या कर रही हो इन लोगों के साथ तुम? शहर जाना है बोलकर यहाँ इन लोगों के साथ रंग रलिया मना रही हो? तुम तो इन लोगों के बारे में अच्छी तरह जानती हो ना? चलो तुम दोनों घर चलो। सुनो रे तुम लोग, तुम्हारी तो आज बैंड बजानी पड़ेगी। मुझसे शादी का वादा करके इन लोगों के साथ यहाँ मजा कर रही हो? घर चलो, देख लूंगा तुम्हें। अब चलो भी। ओहो शशि, चलते यहाँ से। चलो अब बताता हूँ तुम्हें भी। ए, यहाँ गांव गली छोड़कर तुम लोगों ने हमारे घरों की लड़कियों पर नजर डाली है, देख लूंगा तुम्हें। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर इस गांव में कैसे रहोगे तुम लोग, देखता हूँ मैं, दोनों को देख लूंगा। छोड़ मुझे, प्यार करना कोई गुनाह है क्या? अरे इधर चला, देखते हम में से मर्द कौन है, दम है तो छू कर दिखा। देख लूंगा तुझे, कुछ उखाड़ नहीं पा रहा तू। छोड़, अबे बसवा, नहीं तुझे, ये तो तेरा हमेशा का नाटक है। चुप रहिए मामा, शांत हो जाओ, बढ़िया खत्म कर दो, भूल जाओ सब, झगड़ा बंद करो, झगड़े का कोई फायदा नहीं है। मचा तुम्हें चुप रहो, चले जाओ यहाँ से, देख लूंगा तुझे। लोफर चोर कहीं के? सर चोरी करते हो? छोड़ दीजिए सर। अरे ले जाओ इसको, चल सर। नमस्ते पटेल जी। नमस्ते साहब, बोलिए साहब। बड़े दिनों बाद याद किया आपने। कुछ नहीं, गांव के दो मवालियों को तकलीफ ज्यादा हो रही है, थोड़ी पूछताछ करनी थी ना। यहाँ पर भी यही हाल है, एक चोर का पता लगा, उसे उठाने के लिए आया था, बस लेकर जा रहे हैं यहाँ से। इसीलिए शाम को आकर के तुम मुझसे मिलो। ठीक है पटेल जी, शाम को मुलाकात होती है। ठीक है साहब जी। ओके ओके पटेल जी। यार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। अरे क्या है वो, जल्दी बताना, ज्यादा खींच मत, मुझे काम पर जाना है।
अरे वो कुछ हफ्ते बाहर था। अरे क्या है बताना। मैं ना एक मुसीबत में फंस गया हूँ, तुझसे क्या छुपाऊं यार मैं, मुझे जल्द से जल्द है ना 2 लाख चाहिए। तुम एक काम करो, कल आकर लेकर जाओ। अबे ओ मंजा बात सुन। बोलो गुरु। 4-5 दिनों से बोल रहा था ना कि बाइक चाहिए बाइक चाहिए, ये ले अच्छी बाइक लाया हूँ तेरे लिए। गुरु इतने बड़े बाइक सब नहीं चाहिए, कोई छोटी बाइक हो तो दिखाओ। ए, माजा खुशी खुशी बाइक दे रहा है, ले लो ना, क्या दिक्कत है, मजे करो ना। गुरु मेरे पास तो सिर्फ 5,000 है। ठीक है आज 5,000 दे दो, बाकी 5,000 बाद में दे देना। अच्छा गुरु। क्या करूं, सिर्फ 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करी थी, वो उठा के ले आए ना। यार ये तो आ गया, दिन दहाड़े ये चोरी करते तो रात में क्या करते होंगे, कमाल करते हो यार तुम लोग भी। यहाँ से कैसे टरकाऊं। मामा बताना चाहिए था ना कि हमारे बंदे की गाड़ी है, हम सब गांव वाले यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं। अबे ले जा अपनी गाड़ी। ओके। ए, कल शहर जा रहा हूँ, इससे अच्छी गाड़ी दिला दूंगा तुम्हें, चलो जाओ अब। हाँ ओके। मामा हाथ से आया हुआ निकल गया ना मामा, चलो आगे चलते हैं देखते हैं। अरे चलो ना मामा मेरे साथ। तुम्हें कितनी बार समझाओ, वो होटल वाला कुछ देने वाला था ना, जाओ जाकर लेकर आओ। हाँ हम गए थे सर, आपका नाम लिया फिर भी नहीं। ओ, 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 इतनी अकड़ आ गई उसमें। हाँ सर। रुको रुको देखते हैं उसको। हाँ सर। कुछ ना कुछ केस बनाकर डालेंगे उसको, क्या कहते हो? हेलो कहाँ हो आप? स्टेशन फोन कर रहा हूँ फिर भी फोन नहीं उठा रहे आप। नहीं सर वो एक क्रिमिनल को पकड़ने निकले थे हम लोग, बस उसे ही पकड़ने पहुंचे। अरे वो गांव का पटेल बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है, जरा देखो क्या मैटर है। पटेल ने फोन किया था मुझे, मैंने कहा था शाम को मिलता हूँ। काम होते ही जाकर मिल लेना। शाम को जाकर मिलता हूँ सर। जल्दी जाकर वहाँ पहुँच कर मुझे खबर करना और बता देना आखिर क्या हुआ है वहाँ। अबे क्या हुआ भाई, गाँव में कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा है। वो लाइट के पोल बेचे थे उसके पैसे कहाँ है? मैंने से कर्जा चुका दिया। अरे माचा हमारे हिस्से कभी खा लिया ना। मामा आप क्यों इतना फिकर कर रहे हो, ले जाकर एक छोटा सा ऑपरेशन करा देते हैं, हमारा पैसा हमें वापस आ जाएगा। वो कैसे? अरे मामा किडनी बेचने वाला है क्या? वो अपना ही बंदा है, हमारे गांव मंडिया में जैसे चटनी पूरी मशहूर है, रामनगर में किडनी बेचना मशहूर है। मैं हूं ना मामा। अच्छा हाँ। ये लोग ऐसा करेंगे हमारे साथ? पुलिस भागो। नमस्ते सर। चोरों की टोली तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सर एक छोटा सा डिस्कशन चल रहा था। एक दो दिन अगर मैं गांव में ना आऊँ ना तो चोरी डाका रोबरी लड़की छेड़ना यही सब करते हो तुम लोग ना, तुम्हें पता है क्या हुआ है? पटेल ने फोन किया था मुझे, चलो पुलिस स्टेशन। सर हमने कुछ नहीं किया है सर, पटेल जी हमें ज्यादा पसंद नहीं करते ना, इसीलिए आपको झूठी कंप्लेंट देके बुलाया है सर। सर हम कैसे हैं, आसपास के गांव वाले भी जानते हैं सर, हमारा चेहरा देख के क्या हम चोर नजर आते हैं सर? 100% चोरों की तरह ही दिखते हो। सर छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सर मुझे छोड़ दीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया, कुछ चोर कहीं का। हेलो कौन बोल रहा है? माचा है क्या? माचा से? माचा इस वक्त थोड़ा बिजी है, अर्जेंट काम है, दे दो भाई बाद में बात करवाता हूँ। अबे उससे अर्जेंट बात करनी है, फोन दे दे। एक मिनट रुको माचा, फोन है तुम्हारे लिए। अभी फोन आना था सर, एक मिनट सर, दे 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 दे। हेलो अबे पैसे रेडी है क्या? सब कुछ रेडी है, वक्त वक्त तो मिल जाएगा आपको। अबे तू हिचकिचा क्यों रहा है बे? ब्यूटी पार्लर नहीं मैं कटिंग शॉप में हेड मसाज ले रहा हूँ। अबे मुझे पैसे देने हैं और तू वहाँ पर हेयर मसाज करा रहा है? ओके। ऑयल मसाज करवा रहा है, मेरे सामने इतना झूठ बोल रहा है तो गांव वालों को कितना बेवकूफ बनाता होगा तू? नहीं सर। अगर आगे से एक बार भी तुम्हारे बारे में कोई भी कंप्लेंट अगर मुझे मिली शूट कर दूंगा और यहाँ पे मारूंगा तुम्हें। सर हमने बहुत सपने देखे हैं सर, क्योंकि हम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई। ये शक्ल देखकर तुम्हें कोई लड़की देगा क्या? चल भाग यहाँ से। सर तुम चुप क्यों खड़ी हो? शशि तुम्हें इनसे कुछ पूछना था ना? वो क्या है ना शिवु, हम दोनों ने शादी का मन बना लिया है, आप दोनों हमारे घर में आकर शादी की बात कर लो। बस मेरे मामा मुझसे बड़े हैं, उनसे ही पूछ लो। ए माचा मैं इस उम्र में शादी क्यों करूं भला, मैं तो मजाक कर रहा था, और तुम सीरियस हो गए यार, तुम शादी कर लो माचा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। मामा आप थोड़े से भी रोमांटिक नहीं हो, क्या करें अगर सब कुछ सही समय पे हो जाता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ, सही कहा, जब लोहा गर्म होता है ना तभी उस पे चोट मारनी चाहिए, बाकी आप समझदार हो समझे। अरे तुम छोड़ो ना यार। अरे तुम कितने बुद्धू हो, इस्तेमाल नहीं कहते हैं, कहते हैं जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारा जाता है। अच्छा कहावत भी बोलने नहीं आती। ये लीजिए
कितनी देर हो गई है, अब तक नहीं आए ये लोग। आ जाएंगे, रुको ना माँ। ये देखो मामा, घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब सोचो लड़कियाँ कैसी होंगी। मामा सही है मचा, ये मवाली लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ बदमाशो, ये मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आयो? आखिर बात क्या है? वही लड़कियों का हाथ मांगने मैं और मेरे मामा दोनों आए हैं। हमारे घर की लड़कियों में आपको क्या अच्छा लगा बताइए। अरे मामा बोल दो ना, आप ही बोल दो मामा। तुम ही बता दो ना माचा। आपकी बेटियों की दो क्या मतलब तुम्हारा? अबे हॉर्न बंद कर। दो आंखें पसंद है। सही बोला है माचा। क्या हाथ मांगने का ये कोई तरीका होता है? मैंने ऐसा क्या गलत बोला? तू और तेरा वो हाँ। देख क्या रहे हो, निकालो इनको। ए, दोबारा हमारे दरवाजे पर दिखाई दिया ना तो शूट शूट कर दूंगा तुम दोनों को। ए, क्या देख रहे हो तुम लोग, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। लोग आ जाते हैं, जाओ। मामा इसने हम दोनों से पंगा लिया है, देखते हैं इनकी बेटियों की शादी किससे करवाते हैं। मामा हम उनके पीछे जाएंगे कि वो हमारे पीछे आएंगी, देख लेते हैं मामा। चलिए मामा। ऐसे नहीं है, ख्वाब आसमान का देख रहे हैं, जानवर कहीं के। ओ अच्छा ये हीरो इधर है, आ जाया ऊंट पहाड़ के नीचे। कृष्णा ना बसवा, तुमने तो पटेल का नाम रोशन कर दिया। एक मिनट मेरी जान, तुम जरा जाओ ना, मेरा दोस्त आया ना, मैं थोड़ा काम पटा के आता हूँ, ठीक है मेरी जान? अब पता चला मेरे 2 लाख कहाँ चले गए, इसी पर उड़ाया ना। देखो अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो यहाँ जो कुछ भी हुआ सब पटेल जी को कहूंगा और पैसे का सेटलमेंट कर लूंगा। कृष्णा अन्ना क्या हुआ? क्या कृष्णा अन्ना, ऐसा कुछ भी मत करो, मेरे पिताजी को कुछ भी मत बोलना कृष्णा अन्ना। 2 दिन में अपनी जमीन बेचकर तुम्हारा पूरा पैसा चुका दूंगा कृष्णा अन्ना, मुझ पे भरोसा रखो कृष्णा अन्ना। 2 दिन में तुम्हारे पैसे डबल करके लौटा दूंगा कृष्णा अन्ना, मुझ पे थोड़ा भरोसा रखो अन्ना, मुझे थोड़ा वक्त दे दो कृष्णा अन्ना। ए माचा लगता है हमसे ना कोई गलती हो गई है। हमने कोई गलती नहीं की मामा, आप चुप रहिए। जब देखो बार बार बोलती रहती है कि वो मुझसे प्यार करती है, आईने में शक्ल देखी है क्या उसने अपनी मामा? मैं यहाँ पर आपकी और शशि की शादी के बारे में सोच रहा हूँ और वो इसका कुछ और ही मतलब निकाल के बैठी हुई है। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए मामा, इसलिए मैं पूरे गांव में ढिंडोरा पीटते हुए आया। क्या ये गलत बात है? लो जी दोनों आ गई हमारी पूजा करने। ए, क्या कहा गाँव में तुमने? हाँ हमने ऐसा क्या बोल दिया? मेरे मामा ने पहले ही मुझसे कहा था कि वो दोनों ठीक नहीं है, वो दोनों मवाली हैं, उनके साथ गोला मिला मत करो, पर मैंने बात नहीं मानी और तुमने क्या किया, मेरे मामा को ही बदनाम कर दिया। क्यों गांव में यही कहा ना तुम दोनों ने, देखो तो सही कैसे चोरों की तरह खड़े हैं। गांव में क्या शशि, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो बस यही सोचा कि तुम्हारी और मेरे मामा की शादी करवा दूंगा, और ये बार बार बोलती रहती कि मुझसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है। शकल देखिए आईने में। ए, देख मैंने टॉवल निकाल कर ऐसा स्टाइल मारा ना, आसपास के गांव की सारी लड़कियां पीछे लाइन लगाती हैं। मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, समझ में आया ना? हे, हमारे बारे में गांव भर में बुराई करते फिरोगे तो हम क्या खामोश रह जाएंगे? अभी अभी यही बताती हूँ, चाहे मेरा बाप आ जाए चाहे भाई आ जाए, तुमसे ही प्यार करूंगी, तुमसे ही शादी करूंगी। देखो अब मैं क्या करती हूँ। क्यों माचा, अब तो खुश है ना भांजे? मेरी शादी करवाना चाहता तो तेरी हो रही है, बहुत बढ़िया। वो मामा मैंने सोचा कि आप दोनों की शादी करवा दूं, लेकिन इस बीच मुझे भी प्यार हो गया मामा। आप बुरा मत मानिए मामा। अरे फंस गया यार, कितना अनरोमांटिक है, मुझे गले भी नहीं लगा सकता। ये क्या केवल हाथ ही लगा रहा है। बहुत हो गया लव वव, फिलहाल हम दोनों की शादी होने वाली है। हमारी शादी करवाने वाले थे ना तुम दोनों, तो खुद ही अपने में लगे हुए हो, देख रहे हैं हमारे चक्कर में ये दोनों भी मिल गए। अरे बाप रे, ये लोग कहाँ से आ गए अब? अब बाबा वो बाबा हाँ। मैंने कहा था ना आपको, देखो इनकी मौज, हमारी इज्जत से गांव में खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। ए, क्या कर रही हो इन मवालियों के साथ तुम लोग? बाबा देख लिया ना तुमने, पूरे गांव भर में घूमकर इन लोगों ने हम लोगों का नाम बदनाम कर दिया है। आपको मेरे पे भरोसा नहीं था ना, अब देख लो अपनी आंखों से। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, इन मवालियों के साथ मिलकर हमारे घर की इज्जत उछाल रही हो?
बसवा ने मुझे पहले ही बताया था तुम दोनों की रंगरेलियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया। ए, इधर आओ, इधर आ। घर वालों से नजर बचा कर तू इन लोग के साथ घूम रही है। बैठो गाड़ी में। ए, चल निकल यहाँ से, निकल। ए, तुझे मुझ में क्या कमी लगी बोल? हाँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या? बोल ना, तुम्हें ऐसे आवारा लोग पसंद है क्या? आखिर मुझ में क्या कमी है? चल बैठ गाड़ी में। क्या देख रहे हो? आंखें फोड़ दूंगा। ए, आवारा मवाली, तुम लोगों को प्यार करने के लिए, बहलाने के लिए हमारे ही घर की लड़कियाँ मिली है क्या? हाँ? तुम दोनों को बताना पड़ेगा क्या? जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? पटेल, पटेल, पटेल हंसराज हूँ मैं। मुझसे दुश्मनी करोगे तो बहुत पछताओगे तुम। इसीलिए कह रहा हूँ ज्यादा उड़ो मत। आज तो छोड़ रहा हूँ तुम लोग को। दोबारा इस तरह का कुछ किया तो पुलिस को फोन करके तुम्हारा एनकाउंटर करवा दूंगा। ध्यान रखना। ए, चलो यहाँ से। क्या मुसीबत है यार? हुआ शिवा, हर बार तू इस पटेल के अड्डे पर क्यों लेकर आता है हमें? पहले से ही हमारी तकदीर खराब है और वो पटेल गन लेकर चिल्लाता रहता है और हम ढीले पड़ जाते हैं उसके सामने। ए शिवा, हमको भी घर में डांट पड़ती है, थोड़ा संभल के। ए, तुझे पता है हम लोग को क्यों लाए यहाँ पर? हम दोनों को फंसा करके ये दोनों खुद ही भाग जाएंगे। ए माचा, लगा इसे एक। जानते थे ना हमारा बच्चे, बुलाया क्यों? मामा, इन दोनों को मार के भगाऊंगा। कल तो मैं नई बकरियां लेके आता हूँ मामा। ठीक है माचा, इतने साल तुम्हारे साथ रहने का अच्छा सिला मिला है। मामा, ये लोग कितने? अरे मामा, क्या हुआ? देखो ना मामा, पटेल की बेटियां आ रही है मामा, इनको थोड़ा चमका दे मामा। हाँ माशा, तैयार हूँ मैं। मैं जा रहा हूँ। उनकी जगह पर उनकी लड़कियों पर लाइन मारोगे तो वो क्या छोड़ेंगे? निकाल कर गोटियाँ खेलेंगे। क्या बोल रहे? आँखों की बात कर रहा हूँ, समझा क्या? तो ठीक से बोलना, कोई सुनेगा तो तुम्हारे मुंह पर थूक देगा। मामा देखो, पटेल की बेटियां आ गई, तुम हाँ बोल दो तो अभी शादी करवा देता हूँ। बोलो, रेडी हो? भाई क्या माचा, यहाँ खाने के पैसे तो है नहीं, अब इधर उधर से पैसे लेकर जी रहे हैं हम लोग और तुम्हें गन लेने की पड़ी है। शिवू, क्या तुम्हारे पास भी गन है? कहाँ है, दिखाओ मुझे। मामा, आँखों के साथ बोल देना, दो बुलेट भी है। माचा, क्या हुआ मामा? लड़कियों को देखते ना, तुम में चर्बी चढ़ जाती है। ए बुद्धू, ये वो बुलेट नहीं है। ये तो मुस्कुरा रही है। भाग 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 भाग। चल इस तरफ आ। क्यों बेटा? कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे पिताजी किसी अच्छे परिवार में तुम्हारी शादी करवा देंगे। समझ रही हो ना, इतना रुतबा है तुम्हारे पिताजी का और तुम वो सब छोड़कर इन लफंगे मवालियों के पीछे भाग रही हो। अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, दिमाग खराब हो गया है। चलो घर जाओ, चलो। कहां से आ गई? पड़ोस के गांव में परम सर है ना, उनकी मशीन की दुकान से मशीन चोरी हो गई और तुम्हारी कंप्लेंट लिखवाई है उन्होंने। स्टेशन आने की तकलीफ करेंगे? जरा मसाला पीसना है, तुम तो कर ही दोगे। सर कंधे से हाथ हटाइए ना सर, बहुत दिन हो गए कि हमने चोरी नहीं की है। अब हम दूसरे मूड में हैं। ए माचा, बताओ ना इन्हें। हेलो, एक्सक्यूज मी प्लीज, डोंट डिस्टर्ब यू। सर हम दोनों का चेहरा देख के क्या हम चोर की तरह दिखते हैं सर? उनके बाप के जैसे लगते हैं। अभी देखो ना सर, हम कितने कूल लगते हैं। हाँ हाँ हा। सर अब हम ना लव के मूड में हैं सर, और आप ना कबाब में हड्डी की तरह बीच में आकर डिस्टर्ब मत करो सर। जाइए सर, प्लीज प्लीज सर। एक बार पुलिस स्टेशन चलो, फिर तुम्हें लव मूड सब सिखा आने के बाद देखते हैं सर। मामा क्या पटेल जी ने कल सर का हाथ अच्छी तरह गरम कर दिया है, ऊपर से सर को कोई केस मिल नहीं रहा है, इसीलिए बार बार आकर वो क्या कहते हैं ना, सूंघते हुए आते हैं। हाँ, ऐसे ही हमें ढूंढते हुए आए हैं और ये हमें पता नहीं चलेगा क्या? हेलो साहब जी, बिना किसी कारण के आप हमें स्टेशन में ले जाकर बिठा नहीं सकते। मामा वो कुछ पिनल सेक्शन का नंबर है ना मामा? क्या नंबर है मामा? अरे वही एक से दस यार। देखो सर, वो एक से दस नंबर में से एक नंबर भी मिस हो गया ना, आप हमें अंदर नहीं लेके जा सकते सर।
इन लोगों को सेक्शन के बारे में भी पता है? जाइए सर, आप अपना काम कीजिए ना। वो तो ठीक है, लेकिन जाओगे कहाँ? एक दिन पकड़ूंगा जरूर। चलो। कैसा लगा मामा? बहुत बढ़िया मचा। मामा आ? लेकिन इस पे मुझे डाउट है मामा। हमारे पीछे पीछे ही घूम रही है साला। एक काम करते मामा, उस पटेल के बेटे बसवा के लिए जो प्लान बनाया है ना, उसे वही रोक देते हैं। और वही प्लान इस पे बनाए तो? हाँ यार मचा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बंद करते हैं। क्या हमेशा ऐसे मीटिंग करते रहते हो? ए जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ, क्या ड्रामा कर रहे हो मामा? बस कर अब। मामा ये साला फोन पे बात नहीं कर रहा था मामा, ये खाली कवर है, सिर्फ कवर रख के हम सबको ये उल्लू बना रहा था ना मामा। ये बजाओ इसको मामा, ले ले साले, हमें उल्लू बनाएगा तू? ये ले ले दे मामा इसको, दे। बस हो गया मामा, आज के बाद ये साला कभी हमसे पंगा नहीं लेगा। चलो मामा। कितना मारा रे, आइंदा से पंगा नहीं लूंगा। माचा वो देख पुलिस मामा आ रहा है। साहब जी नमस्ते, आज सुबह सुबह ही दर्शन दे दिया आपने? क्यों यहाँ बैठ के क्या स्केच कर रहे हो? नहीं सर जी, अपने गांव को किस तरह डेवलप करना है उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ओ, गांव को डेवलप करने के लिए सोच रहे हो? एमएलए हो या एमपी, जब देखो तब गांव की सड़कों पर ही पड़े रहते हो तुम। दूसरा कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? ए नंदीश सर, जाओ उस कमीने को खींच कर लेके आओ। कभी मिलो, आराम से भुर्ता बनाता हूँ तुम्हारा। मामा पीसी को भेज के अकेला जा रहा है मामा, ये सही वक्त है मामा प्लान को एक्शन में लाने का। चलो मामा। चल मचा। कौन था हरामजादा? लोफर उचक्के कहीं के मुंह ढककर मारते हो मुझे, कहाँ भाग गए हो? पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारा जहाज ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना। आ गया साहब जी नमस्ते। नमस्ते बॉस। क्यों परेशान लग रहे हो आप, किसी ने कुछ कर दिया क्या? तकलीफ दी क्या आपको? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, धूप ज्यादा है ना इसलिए मेरा बीपी शुगर बढ़ गया है थोड़ा, बस यही बात है। चलो चलो निकलो निकलो। ज्यादा है कि नहीं? चलो मामा। नंदेश सर कहाँ हो तुम? आ रहा हूं सर। ये गांव ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। जान तुम्हारे साथ वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। सच? चलो मशीन घर पे जाके आते हैं ना। मशीन घर पे क्यों? हाँ मोटर यही पे ऑन कर सकते हैं। यहाँ सब देख रहे हैं जान। ये कहाँ से आ गया कबाब में? क्या हाल है मेरे भाई? क्या बात है कृष्णा, यहाँ कैसे आ गए तुम? जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे सूंघते हुए पहुँच जाते हो तुम। कबाब में हड्डी बनने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्या काम है बताओ अभी? दिन बे दिन ये मेरी इज्जत कम होते जा रही। देखो घुमा फिरा कर बात करने की मेरी आदत नहीं है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। मेरे पूरे के पूरे पैसे लौटा दो, मैंने तुम्हें 2,00,000 रुपए दिए थे, पटेल जी का बेटा समझकर तुम्हें पैसे दिए, ना ही असल मिल रहा ना ही ब्याज मिल रहा है। किसी और को पैसे दिया तो ब्याज तो मिलता। चलो एक समझौते की बात कर रहे हो? देखो मेरी अब तक शादी नहीं हुई, अपनी बहन के साथ मेरी शादी करवा। बात को कहां से कहां तक लेके जा रहे हो तुम, ये ठीक नहीं है समझे? ठीक है तो फिर तुम्हारे बाप के पास जाके सेटलमेंट कर दो, कम से कम मेरे पैसे दे दो। कहां फंस गया यार? डार्लिंग एक बार मेरी बात सुनो ना। देखो वैसे भी उसकी बीवी नहीं है, तुम्हारी बहन की शादी भी अभी तक नहीं हुई, उससे इसकी शादी करा दोगे तो 2,00,000 का सेटलमेंट भी हो जाएगा और वो 2 एकड़ जमीन भी मेरे नाम पर हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारे घर में मैं ही तो तुम्हारी बीवी बनकर आऊंगी ना, इससे पैसा हमारे घर पर ही रहने वाला है। ऐसा क्या?
हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। अब यहाँ से जाओ, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। पिताजी से कहकर काम कर दूंगा मैं। जल्दी से जल्दी सेटल कर दो। हाँ चलता हूँ। जाओ यहाँ से तुम लोग। मामा उस खेत के घर का मोटर ही नहीं खोल पाए ना मामा। ए मचा, ऐसे कैसे कोई मशीन खोल सकता है? मैंने तुम्हें चोरी करना सिखाया था ना, मुझे अपना सर फोड़ लेना चाहिए। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो मामा। हाँ पटेल की बेटियां आ रही हैं, शादी के बारे में क्या सोचा? अरे यार युद्ध के लिए तलवार है ही नहीं। अरे तलवार चाहिए ना, ले आएंगे मामा। अरे चुप रहो ना माचा, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। शादी के लिए दूल्हा नहीं है यहाँ पर। मामा शादी के लड़के को अगर वही नहीं है तो कैसा मामा? अरे यार शिवू, सच कहो ना, हमारी शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है शिवू? पहले तो गाय के पीछे सांड की तरह दौड़ते थे, अभी तो तुम लोग दिखते भी नहीं हो। ऐसे मुंह छिपाकर कहां घूमते फिरते हो? अरे दूल्हे की तरह सहरे में मुंह छिपाओ। दूल्हा मैं नहीं हूँ, ये जो है ना अपना 7 फुट वाला इंसान, मैदान में उतर गया ना तो सबके सबकी छुट्टी कर देगा। बोलो ना मामा। ए बस करो अपना बिल्डअप, ये पहले से तुमसे नाराज है कितनी, तुम होगी आग में घी डाले जा रहे हो। ए मामा थोड़ा तो रोमांटिक बनो ना, ऐसी सुंदर लड़कियां हर किसी की नसीब में नहीं होती, अगर मिल गई ना तो बिना सोचे समझे खा पी के मजे लो। आशा अगर तुम्हें सच का पता लगेगा तो तुम्हें शौक लग जाएगा। अब बोलोगे तो समझ में आएगा ना। इधर आओ। क्या? मोटर को बहुत बारी चालू किया मैंने पर मोटर चालू होते ही नहीं है। अबे यार करंट शॉक दे दो तो ठीक हो जाएगा। अरे रे रे रे, शॉक वगैरह देने के बारे में मत सोचना शिवू, शॉक दिया तो फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ गया तो मोटर चालू नहीं होगी। ऐसा है तो मत करो मामा। शिवू तुमने मेड इन चाइना फिल्म नहीं देखी क्या? देखी है। उसमें जो लड़के लोग दवाई लेते हैं ना, बस वही लेने को बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। कमाल की दवाई। हाँ मामा, डायरेक्टर विजेंद्र प्रसाद है ना, देखिए उन्हें फोन करके आप टैबलेट ले लेना, फिर मोटर वर्क करेगा ना। हे माचा अगर दवाई ले ली ना इधर तो सुबह उठ नहीं पाऊंगा मैं। खा जाए तो मत लो शिवू। सुबह उठने की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, मेन तो रात को जागना है। आप जल्दी चलो यहाँ से, अगर भैया को पता चला ना तो छोड़ेंगे नहीं। चलो यहाँ से। पिताजी को कैसे मनाऊं, उनके पास गन भी है। क्या हुआ बसवा, तुझे धूप लग रही है क्या? चल टावल हटा मुँह से। अरे टावल हटा ना मुँह से। ए बसवा हटा इसे, देखने वाले इसे गलत समझ बैठेंगे। दुल्हन के जैसे मुंह ढक करके आए हो, तू मरद का बच्चा है बे। क्या हुआ है, किसी ने तुझे कोई तकलीफ दी है क्या? बस बता दे मुझे, मैं अभी निपटा देता हूँ उसे, इसी गन से उसे शूट कर दूंगा। पटेल, पटेल का बेटा है तू, डर मत। बता किसी ने तकलीफ दी क्या? मैंने ना अपने और अपने बहन के बारे में सोचकर एक फैसला लिया है, वही बताने आया हूँ आपको। वो क्या है? वो हमारे गांव में कृष्णा है ना, कृष्णा से बहन की शादी करवाने का वादा किया है मैंने। उन लफंगे लड़कों से अपना कृष्णा तो बेहतर है ना, हैसियत से, जायदाद से और पैसे से भी ना। आपको कुछ करना होगा, कृष्णा से वादा किया है मैंने, अब मुकर नहीं सकता। ए, उससे नहीं करनी है। उसकी उम्र क्या है, मेरे बेटे की उम्र क्या है, अकल ठीक है ना? क्यों तूने उससे कुछ उधार उधार तो नहीं लिया ना? नहीं उधारी नहीं ली मैंने, तुम सोच लो गांव में किसी भी चीज की कमी नहीं है उसे, ना पैसे से ना जायदाद से। मैंने अपनी बहन से शादी करवाने का वादा किया है उससे पिताजी, मेरी बहन बहुत खुश रहेगी। ठीक है हाथ हटा, पैर पड़ता हूं। समझ गया, जिंदगी बन जाएगी। लेकर क्या उसे? अरे जाना लेकर क्या? अभी आपसे मिलवाता हूँ, वो पहले से यहीं पर खड़ा हुआ है। ठीक है ना बाबा, यही है वो, बात कीजिए उससे। क्यों कृष्णा, मेरी बेटी से प्यार करते हो क्या? हाँ पटेल जी। अगर बेटी दिया तो संभाल पाओगे उसे? पलकों पे बिठा कर रखूंगा। ओ अच्छा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? पटेल, पटेल हूँ मैं। अगर कुछ ऊंचा नीचा हुआ ना तो शूट कर दूंगा तुम्हें, लेकर जाओ इसे। चलते हैं। कृष्णा एक मिनट रुको। क्यों कृष्णा, तुमने मेरे बेटे को कुछ उधार दिया क्या? मैंने उधार नहीं दिया पटेल जी। दिया है तो बता दो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पटेल जी। ठीक है जाओ, जाकर तैयारी करो। ठीक है पटेल जी। ए बसवा लेकर जाओ इसे। चल कृष्णा। यार इतनी देर हो गई, कब से बोल रहा था कि आएंगी आएंगी, अभी तक आई नहीं वो दोनों। भाई लोग मुझे अब डाउट हो रहा है, वो आएगा या नहीं, और वो तो पहले से डरपोक है, और एक तो गया है पटेल के घर, उसे कब मार के कहाँ फेंकेंगे क्या पता। ओ, ये लो आए। अच्छा आप लोग यहाँ पर हैं? शिवा ये लो बात करो। शिवू क्या हुआ आयशु, इतनी घबराई हुई क्यों, क्या हुआ? शिवू बाबा भैया सबको पता चल गया है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मुझ पे नजर रखी हुई है, कृष्णा और मेरी शादी पक्की हो गई है, कल ही कर देंगे। अगर मेरे लिए तुमसे कुछ नहीं हो पाया तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आयशु तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो, क्या मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें?
तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। तुम ज्यादा सोचो मत आयशु, हम सब है ना यहाँ। तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई ने जो मुहूर्त फिक्स किया है ना, उसी जगह पे उसी समय पे मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम ना घबराओ मत, हम पर भरोसा रखो, ठीक है? मैं जब बताऊंगा ना, तुम और शशि ठीक समय पर पहुंच जाना, ठीक है ना? ठीक है। अरे नंदी, संभल के ले जाना इन्हें। चलती हूँ शिव। ठीक है आयशु, संभल के। मामा रेडी हो ना? रेडी बच्चा, फिक्स कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए देख लेंगे उन्हें हम। प्यार करने वालों के बीच में जो आएगा वो मरेगा। हाँ? ये क्या इंसाफ है गुरु? आप दोनों के प्यार के लिए हमको क्यों बकरा बना रहे हो? मेरा बाप हमेशा कहता था कि इन आवारों का साथ मत दो मत दो। तुम्हारा साथ दिया इसीलिए तुम्हारा दंडवत नमस्कार, मैं चलता हूँ। अरे यार, ये तो डरपोक है साला। देखो साहब, तुमसे कुछ हो सके तो करो, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपके पास कानून है और मेरे पास ये गन है। अगर मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं होता तो मैं उन मवालियों को उड़ा चुका होता, समझ गए ना? इसलिए कुछ करो। देखिए पटेल जी, अगर उन्होंने कोई चोरी चकारी की होती तो लात मार के लॉकअप में बंद कर देता। देखिए वो दोनों ही बालिग हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो बड़े ऑफिसर को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि वो कोई गलती करें। बस वो कुछ गलती करते हुए मेरे हाथ में लग जाएं, तो इस जन्म में तो बाहर नहीं निकलेंगे वो, आप निश्चिंत रहिए। देखिए सर, हमने कृष्णा को वचन दिया है। ये तो कृष्णा जी का बड़प्पन है कि वो मेरी बहन से शादी करने के लिए राजी हो गए। ये जानने के बाद भी कि मेरी बहन उस मवाली से प्यार करती थी, कृष्णा शादी करने को तैयार है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी घर की इज्जत नहीं जानी चाहिए सर। उन दोनों के प्यार के बारे में जानने के बाद भी तुम उससे शादी करने को तैयार हो? हाँ हाँ, कृष्णा बड़े दिल वाला है सर। बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पटेल जी, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? मेरी जरूरत पड़े तो बताना। चलो। देख बसवा, तू क्या करेगा ये मुझे नहीं पता, पटेल की इज्जत का सवाल है ये। आज के बाद हमारे घर की लड़कियाँ अगर उन मवालियों के साथ कहीं देख जाएं या घूमती नजर आए तो उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। बसवा, मेरे दो। चुप बैठो कृष्णा, कहा ना तुमको, इतनी घाई करने की जरूरत क्या है तुम्हें? शादी करने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो तुम? मेरी बहन से ही होगी तुम्हारी शादी। देखो बाबा, हमने इसे वचन दिया है, कृष्णा मेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो गया। आप इस बात को नहीं समझ रहे हो, पूरे गांव में मेरी बहन बदनाम हो रही है और आप तमाशा देख रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरी बहन की शादी हुई तो कृष्णा के साथ ही होगी। आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए और टेंशन मत लीजिए, मैं और कृष्णा मिलकर सब संभाल लेंगे। आप शादी की तैयारी कीजिए। चल कृष्णा, चल रहे आकाश। क्यों इतनी देर कर दी तुमने? क्यों शिवा, बहुत मुश्किल से इसके भाई से बचकर आए हैं हम लोग। ये लो तुम्हारी अमानत संभालो। ठीक है मामा, आप दोनों आ गई हैं, क्या करें बताओ? माचा पहले गांव छोड़ देते हैं, फिर सोचेंगे। चलो अब शिवा, गांव के दरवाजे में खड़े रहकर गांव को छोड़ नहीं सकते। अब तक उसके भाई को पता चल चुका होगा, वो हमें ढूंढ। चलो चलते हैं। चलो, आखिर वो कैसे भाग गई आकाश? मुझे यकीन नहीं हो रहा वो भाग गई हमारे गांव से। पूरी तरह मेरी बहन का ब्रेन वॉश कर दिया उन लोगों ने, पूरे गांव में हमारा तमाशा बना दिया। कृष्णा, अब हम नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को। देख बसवा, मुझे पता चल गया कि तेरी बहन मुझे नहीं मिलेगी, जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करो। देख रे, ये भी कोई वक्त है ऐसी बात करने का? ऐसे वक्त पर साथ देने के बजाय तुम अपने पैसे मांग रहे हो मुझसे, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते वक्त? हे रुको, मेरे पिताजी का फोन आया, कोई आवाज मत करो। हेलो बाबा, बोलो बाबा। वो मिले क्या? पूरा गांव ढूंढ लिया पर वो लोग हमें नहीं मिले बाबा। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, गली गली में ढूंढो। ठीक है, मैं और साहब मिल करके ढूंढ रहे हैं उसे। अच्छा बाबा, किसी हाल में भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा, आता हूँ मैं। छे, मिले क्या? नहीं मिले साहब। मैंने उस दिन भी आपसे यही बात की थी कि कंप्लेन कर दो, लेकिन आप सुनते नहीं। चलो छोड़ो, उठाता हूँ उनको। हाँ। मेरी बात सुनिए आप। हाँ? 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 ठीक है। चलो ये, चलो चलो। बसवा, तुझे पक्का यकीन है कि उसी गांव में? बाबा, वो लोग इसी गांव में हैं, मुझे अपने दोस्तों से ये बात पता चल गई है। बसवा चलो ढूंढते हैं।
मामा ये लोग यहाँ है। निकालो रे हथियार, ये लोग हमसे बचकर नहीं जाना चाहिए। निकालो हथियार, बसवा भाग रहा है। क्या रहा है? अरे पकड़ो उन लोगों को। कहाँ भागते हो? रुको, रुको। हाँ तो तुम लोग गए हाथ से। हे कृष्णा, वो लोग इस तरफ गए होंगे। नहीं नहीं, इस तरफ। नहीं, इस तरफ चल। हाँ हाँ चलो। लगता है भाग कर निकल गए वो लोग। मैंने पहले ही कहा था उस तरफ गए होंगे, तो माने नहीं। भाग गए वो लोग। चलो उस तरफ। अरे क्या कर रहे हो तुम? चलो बाबा के पास चलते हैं। चलो रे सब लोग। मिले क्या वो लोग? बाबा, लुंगी गिरने तक हमने उनका पीछा किया, लेकिन वो लोग हवा के स्पीड में आगे निकल गए। अच्छी, दिमाग खराब हो गया है बाबा। लाना था तुम पर, जानवर की तरह खाते हो, लेकिन तुम लोग उन्हें पकड़ नहीं पाए। ससुर जी, मैंने इसे कहा था वो दाई तरफ गए हैं, लेकिन ये मुझे बाई तरफ लेकर चला गया। कृष्णा, अभी तक मेरी बहन से तुम्हारी शादी नहीं हुई और वो तुम्हारे ससुर हो गए। चलो चलते हैं। मामा, मंगलसूत्र तो हम रूम पर छोड़ा है। अरे क्या कर, अब क्या करेंगे मामा? अरे माचा, अब ये क्या कर दिया तुमने? एक काम करो, इन दोनों को यहाँ से भेज दो अब, ठीक है ना? अगर इन दोनों को भेज दिया ना मंगलसूत्र आएगा ना शादी होगी, ठीक है? एक काम करते हैं, ये दोनों ही क्यों, इनको हमारे साथ ही लेके चलते हैं। चलो मंगलसूत्र बांधते हैं, ये लो, और हम जल्दी वापस आते हैं। तब तक तुम ऊपर पूजा करवाते रहना, पूजा करवाते रहना। हाँ चलो, जल्दी चलो। चलो अब क्या करूं मैं? ऐसु, ऐसा क्यों किया तुमने? तुझे मेरे प्यार पे जरा सा भी भरोसा नहीं था? क्यों ऐसे मेरे जीवन के साथ खेल रही हो तुम? तुम जैसी लड़कियों पे भरोसा करके हम गांव छोड़ के आते हम ही पागल हैं। प्यार का नाटक करके मुझे तुमने बर्बाद कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मामा मचा, बताओ क्या करे? बांधा होगा इसने मंगलसूत्र, परसों हागरात तुम मनाओगे इसके साथ, ठीक है ना? चलो मामा। शिवो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपने भाई माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे इस प्यार के लिए मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ूंगी। ए, जब मेरी बेटी मना कर रही है तो क्या बात करोगे? ए, जाओ वरना शूट कर दूंगा। ए, बसवा, चलो निकालो इनको यहाँ से। ए, निकलो यहाँ से। अरे बसवा, गाँव के लोग हमें हाथ जोड़ते हैं, हमारे गैर हाजिरी में हमारे बच्चों का दिमाग खराब करते हो ना? तुम लोगों को जरा भी लाज शर्म नहीं आती है क्या? हा? ए बसवा, क्या मुंह देख रहे हो? निकालो इन लोगों को यहाँ से। पतंग आसमान में उड़ती रहती है, लेकिन उसका जो धागा है ना वो जमीन पर ही रहता है। ये पहले समझ लो, हो गया ना? अब तुम्हारी प्यार मोहब्बत यहाँ नहीं चलने वाली। अब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चलो जाओ यहाँ से। ए, चलो रे सब लोग। शिवू, तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। ए, अपना मुंह बंद रखो। अच्छा, एक काम करते हैं, होल सेल में उठा लेते हैं सबको हम। ए, किसको धमकी दे रहे हो तुम? ए, उठाओ ना तलवार। ए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब लड़की को पसंद नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ चलो चलो भाई, चलो चलते हैं। चलो, जैसे तैसे उस दिन हमारी मदद से शादी तो हो गई। हमने भी कुछ गलत किया ऐसा हमें लग रहा था। गाड़ी रोको। क्या हुआ सर, गाड़ी क्यों रुकवाई? ये कहानी बहुत अच्छी है, चाय पीते पीते सुनते हैं, चलते हैं। ठीक है सर, चाय पीते पीते सुनते हैं। बैठ जाइए सर। राजू, तीन चाय भिजवा दो। आप दोनों इतने खामोश क्यों बैठे हैं? आगे कहानी में हुआ क्या? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आगे क्या हुआ जानते हैं? हाँ, शादी के बाद शिवा देवदास बन गया। ए, शिवू, बॉटल लाते ही सबसे पहले ओपन और शेयर तुम ही करते थे,
आज क्या हुआ तुम हाथ भी नहीं लगा रहे हो? हाँ छोड़ दो उसे, भूल जाओ उसे। शिवा ले लो, पी लो, इसे पियो और मन को हल्का करो। हाँ आयशु इस तरह से धोखा हाँ। देगी, ले लो शिवा पी हाँ। लो। हे माचा, इस सब का कारण वो बसवा है यार, उसको उड़ा देते हैं चाहे फिर बाद में जेल हो जाए। पी ले यार। गुरु ए सुनो, आज छोड़ दो उसे, जिद मत करो। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। आज ना वो बहुत ज्यादा दुखी है और उस लड़की ने इसके पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है। इस सब की वजह वो कृष्णा ही है, और शादी के बाद इसके घर के सामने लेकर आ गया। वो सब देखने के बाद ये कैसे पी सकता है? माचा सिर्फ एक बार हाँ बोल दे, उसके घर में घुस कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पी ले यार। अरे छोड़ो अब, शिवा का मन आज बहुत ज्यादा दुखी है, अगर वो आज नहीं पिएगा तो हम भी नहीं पिएंगे। हाँ नहीं चाहिए। हे माचा, ए शिवा, 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 कैसे पी कर गिरा है देखो ना। अरे अरे शिवा, शिवा, उठ जा। हे माचा, अरे पानी पानी मारो। अरे माचा हाँ उठ जा, उठो। अरे उठ, अरे क्या कर रहा है तू? माचा उसकी याद में इस तरह पी के अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? ये ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। चलिए गांव छोड़कर चले जाते हैं हम। देख शिवू, तेरे तकदीर में उस लड़की का नाम नहीं था, क्यों तुम ऐसे पी पी कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? नहीं शिवा, भूल जा उसे, भूल जा शिवा, भूल जा, भूल जा। देखो शिवू, ऐसे पी पी कर अपने आप को बर्बाद मत करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम पहले जैसे थे ना वैसे ही रहो, अच्छे लगते हो। हमारे खातिर प्लीज प्लीज शिवा छोड़ दो। मामा। हाँ बोल माचा। लाइफ में पहली बार मैं बहुत उदास हूँ मामा, उसे मैं अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ मामा। मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि उसने मुझसे शादी नहीं की। क्या बोल रहा है ये? सबके सामने उसने कहा मुझसे प्यार ही नहीं करती है वो। माचा माचा, इस बात का दुख हुआ मामा। अपने आप इतनी तकलीफ मत दो। क्या यार मामा, ऐसे कोई करता है क्या? अब के बाद मैं किसी भी लड़की को किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा मामा। प्यार पर से मेरा भरोसा ही उठ गया है ना मामा। अरे उठो, उठो शिवा। चल उठ जा, उठ जा शिवा। ए छोड़ दो मुझे। मामा ये लड़कियों का जो प्यार है ना मामा, वो सब झूठ है मामा। किस बात पर विश्वास करें किस बात पर नहीं, लेकिन लड़कों का ये जो दिल है ना मामा, एक बार प्यार हो जाए तो ये ना साला उनसे उनसे चिपक कर रहता है मामा। ये हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा मामा। आपने देखा ना मामा, पूरी तरह बर्बाद हो गया मामा। यार ये शांत हो जा, शिवा शांत हो जा। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। अरे कर रहा है। अरे यार शिवा, सब बर्बाद कर दिया है। शिवा शिवा, कुछ नहीं है साला। साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं आते तो हमारी इज्जत चली जाती। अगर आप दोनों साथ नहीं देते तो गांव में हमारी बहुत बदनामी होती, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी कौन सी बड़ी बात है, आप पर मेरा बहुत विश्वास था इसलिए इन लोगों को मैंने थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दिया, उसके लिए आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। उससे भी बड़ी बात तो ये है, आपका बेटा बसवा, उसने हमारा बहुत साथ दिया इसलिए हमने कृष्णा से उसकी शादी करा पाए। ये सब छोड़िए पटेल जी, उस मवाली से आपकी बेटी प्यार करती है ये जानते हुए भी कृष्णा ने बड़ा दिल दिखाया और आपकी बेटी के साथ शादी की। सच में उस कृष्णा का बहुत ही बड़ा दिल है। साहब आपने सही कहा, जरा बसवा को समझाइए। हे कृष्णा चुप करो ना, अब सब काम हो गया है ना, बात करने से क्या फायदा। सर जी आपने बहुत अच्छा काम किया, मगर सर जी एक बात जरूर है, उन मवालियों की इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो लोग ये गांव छोड़कर नहीं जा रहे हैं, आपको जरूर इस मामले में कुछ करना पड़ेगा। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा। लेने देने की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, क्यों साहब? इतना क्यों सोच रहे हैं आप, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा उनका। ए रुक जाओ सर जी,
इतनी बेइज्जती होने के बाद भी गांव में कितने बेशर्मों की तरह घूम रहे हैं ये लोग। थू, बेशर्म कहते। अगर तुम्हारी जगह हम होते ना तो इस गांव को कब का छोड़ देते, लेकिन तुम अभी तक इस गांव में हो। जाओ, जाकर मरने की जगह ढूंढ लो। मामा, सब लोग होलसेल में एक साथ खड़े हैं, क्या करना है डिसाइड तू करेगा, खेल मैं खेलूंगा। अच्छा, आगे बढ़, देखते हैं इनको। चलो मामा। मवाली, अगर आगे बढ़ा तो खत्म कर दूंगा। चल निकल, जाओ यहाँ से, चल निकल। चलो मामा। चलो निकलो। क्या देख क्या रहा है? अपने आप को गांव का शहंशाह समझते हैं ये दोनों। चलो मामा, चलते हैं। पटेल जी आएंगे कहाँ, हाथ में जरूर आएंगे। जरा गाड़ी रोको। अरे रे, अब ये कहाँ से आ गए, पता नहीं क्या करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बसवा? रंगरलिया मनाने जा रहे हो? नहीं सर जी, वो गांव में मेहमान आए हैं ना, तो उनको जरा नारियल पानी पिलाने ले जा रहा हूँ। पिलाओ पिलाओ, देखो तुम पटेल जी के बेटे हो इसलिए जितना मन करे उतना पानी पिलाओ। लगता है इसको कहीं देखा है मैंने। पटेल के बेटे के साथ क्या कर रही है? ओ, तुम यहाँ हो बासु? ये तुम्हारी दूर की रिश्तेदार है क्या? हाँ सर। राजू, ये तो वही लड़की है ना जिसे हमने अरेस्ट किया था? हाँ सर, क्या करे सर, गिरफ्तार करने? नहीं छोड़ो, कल वो किसी और के साथ थी, आज तुम्हारे साथ है। ओके, जरा संभल के। थू, कृष्णा, प्यार करती हूँ बोलकर फंसा कर भाग गई वो, मुझसे प्यार के वादे करके मुझे चुन्ना लगाकर गायब हो गई हो। कृष्णा, आकाश की परी समझा था उसे, माथे पे कलंक का टीका लगाकर धोखा देके भाग गई। कृष्णा, वो सर जी है ना, उनके बोलने के बाद ना मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ। कृष्णा, ऐसी जिंदगी है ना, मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी। तो बाबा, ऐसे कोई फोन आया था क्या? अरे फोन नहीं किया था बेटा, एक फोन तो करो। चार दिन से वो फोन नहीं उठा रहा है, उसके घर पे भी फोन किया था। नहीं बेटा, एक बार फिर से कोशिश करो ना। आज उसके घर जाकर आता हूँ मैं। ओ, पूजा आ गई अपनी? अरे अब ये आ गई मेरा दिमाग खाने के लिए। शिट। अरे आते ही इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं माँ, दीदी की इतनी अर्जेंट शादी करवाने की क्या जल्दी थी तुम्हें? हाँ प्लीज मुझे एक फोन तो कर दे, तो मैं भी शादी में शामिल हो सकती थी ना। नहीं, तुम्हारा भैया बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया था और जिद कर रहा था कि शादी जल्दी करवा दो, इसलिए हमने। ए बसवा, इसे पूरी बात बताओ। पूजा, तुम अपने पढ़ाई में बहुत बिजी हो गई थी ना, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अपना बैग अंदर ले जाओ और आराम करो। देख क्या रहे हो, पानी दो मुझे। मुझे बताना जरूरी था। मैंने कहा ना तुम्हें, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें समझा। छोड़ मुझे, ये मुझे समझाएगी? बाबा मुझे अभी बताओ आप। ए बसवा, बताया ना उसे। बाबा, दो हफ्ते लगेंगे, सुनोगे क्या? दो हफ्ते नहीं चाहिए। अब चलो भी। हाँ? उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं तुम्हें बताती हूँ। मुँह धो लो बेटा। अरे ठीक से मुँह धो। ऐशु ने इसे ही धोखा दिया था। ए शिवा, जो भी बोलना है बोलो और इसे भेज दो। इसका पति घर पर नहीं है, इसके लिए बहुत मुश्किल से यहाँ लेकर आया हूँ। तुम तो इसके पति को जानते हो, अगर वो यहाँ आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शिवा, अगर कुछ पूछना है तो पूछो शिवा, फिर बाद में मत कहना। हे आयसु, क्यों ऐसा किया तुमने मेरे साथ? मैं तुम्हें कितना पसंद करता था तुम जानती हो? तुमने मेरे सपने और सारी खुशियों को तोड़ के चूर चूर कर दिए। जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। देखो जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ दुनिया में कोई किसी से नहीं करता होगा। मेरी सारी आशाओं को निराशा में बदल दिया तुमने। जैसे तुमने मुझे धोखा दिया है, किसी और को धोखा मत देना। समझ में आया? ए माचा, भेजना इनको, क्यों फालतू टाइम पास कर रहे हैं? शिवू, वो बात ये है कि वो मैं कहना चाहती थी वो ने आकर सब गड़बड़ कर दिया। हे माचा, यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों उसके बारे में सोच सोच के मर रहे हो? चलो ना, भूख लग रही है, जेब में पैसे भी नहीं है। चुप रहिए मामा, मुझे खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, आप जाके खा लीजिए। तुम ही तो मुझे उधार दिलाओगे ना?
अब चलो ना। मामा आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है माचा, आगे से छोड़ दूंगा। बात समझने की कोशिश करो माचा, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो मामा, उसके प्यार से बड़ी हम लोगों की दोस्ती है मामा। आज के बाद मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब सब सही होगा, अच्छे से जियेंगे हम। हम दोनों की दोस्ती अमर रहे मामा। हाँ माचा। चलो अच्छा हुआ तू उसे भूल गया ना। बहुत अच्छा है। सही कह रहा है ना माचा। ये देखो कौन आया है। कौन आया भाई? ये चश्मा मुझे देना। शिवु तुम इतना दुखी क्यों हो? हाँ कब तक ऐसे अकेले रहोगे बोलो? तुम्हें दुखी देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैंने और तुम्हारे मामा ने मिलकर तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। चाहते हो तुम्हारे मामा खुश रहे तो एक बात माननी होगी तुम्हें। ये ऐशु की बहन है, इसका नाम पूजा है। मैंने तुम्हें तकलीफ में देखा इसलिए मैं इसे तुमसे मिलाने लेकर आई हूँ। पूजा मैंने तुम्हें बताया था ना, यही है शिवू। हाय मामा। ये कनेक्शन तो टूट गया था ना मामा। अब छोड़ दो ना यार। लेकिन अब ये कल रात को जुड़ गया था। ठीक है मैं तो छोड़ दूंगा लेकिन मामा नहीं छोड़ेगा लगता है। मेरी दीदी की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है ना। पुरानी बातें भूल जाइए, आगे से आपके सारे सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी, सोच लीजिए। देखिए मुझ पे मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्यार में मैं धोखा खा चुका हूँ, बहुत दर्द सह चुका हूँ। मामा सुनो ना। बोलो माचा। आप इसे अच्छी तरह समझाकर घर भेज दीजिए मामा। देखो माचा, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ, अब हम अच्छे से जिएंगे। सोच लो यार। शिवो जो हुआ उसे भूल जाओ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू शिवो। पहले से मेरे दिल पे जो घाव है वो अभी तक भरा नहीं है पूजा, और ये जो मेरा घाव है वो कभी भर नहीं सकता। अब मुझे प्यार होना मुश्किल है, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। शिवो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ, समझने की कोशिश करो। तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे मुझे पता है पटेल जी। बासु आपकी बेटी शहर से आई है, वो लोफर मवाली आपकी बेटी के पीछे पड़ा है, ये बात पूरा गांव जानता है। अरे अभी उठाता हूँ और भेजता हूँ ऊपर, टेंशन मत लीजिए आप। देखिए पटेल जी, ये लोफर मवाली लोग जब से प्यार में गिरे हैं तब से उन्होंने ये चोरी चकारी, रोडेज में ये धोखा, ये सब छोड़ दिया है। इनकी वजह से मुझे कितना लॉस हुआ है इस बात की जानकारी है आपको? वो सब मैं आपको बता भी नहीं सकता। छोड़े छोड़े, मैं देख लूंगा। कैसे बताऊं इसे शिवू? हाँ? सुना है तुमने मेरे भाई से चैलेंज किया है कि तुम पूजा से ही प्यार करते हो और पूजा से ही शादी करोगे। वो तो मैंने गुस्से में ऐसे ही बोल दिया था, कुछ गलत बोल दिया मैंने? नहीं गलत नहीं है। हाँ? क्योंकि मुझे हाँ? भी मुझे भी तुमसे तुम्हें भी तुमसे कैसे कहूँ क्या, तुमसे ना मुझे प्यार हो गया है। हाँ? मुझे भी कैसे बताऊँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। आई लव यू। अरे डव यू नहीं, आई लव यू। लव है क्या? पूजा रुको, पूजा ₹200 देना माचा। ये गेम है मामा, ऐसे दे नहीं सकता। क्या माचा तुम भी बता, तेरा कितना हुआ?
अरे बताना यार, सोन का बदला लूंगा। अरे देना यार पैसा, पकड़ा जाए। क्या कर रहा है? सही कहा था तुमने, ये आवारा मवाली यहीं पर है। हाँ सर, यहाँ पे। अरे यहाँ कैसे आ गए? अच्छा अब ये कहाँ से आ गए? अरे सर, सर हमने कुछ नहीं किया सर, हम टाइम पास कर रहे थे सर। टाइम पास चल रहा है? अरे भागो जल्दी। आज अगर तूने भागने की जरा भी कोशिश की ना मवाली, यही शूट कर दूंगा। चुपचाप खड़ा रहे, ठीक है? उठाओ ये सब, ठीक है? बैठ बैठ, ठीक है सर। जाके गांजे का बैग लेकर आ। हमने कुछ नहीं, आज हाथ लगे हो तुम सब। सर क्या हुआ बताता हूँ तुम सबको। अरे ये मारने वाला है क्या हमें? सबका एक अच्छे से फोटो निकालो। अरे ये इन सब का फोटो निकाल कर कल टीवी और अखबार में भेजेंगे, ठीक है सर? कल से ये आवारा मुझे यहाँ दिखने नहीं चाहिए। सर सर बस एक मिनट सर, मैं बस चलो चलो निकालो फोटो सर। मामा हम दोनों का फोटो पेपर में आने वाला है मामा। हे आने वाली है, कंघी दे, जल्दी दे, दे इधर। बस कर मुझे देना। अरे रुको ना मामा, ये ले। अरे रे रे पाउडर दे। ए शिवा चुप बैठ, हमारा दुख हमें पता है। सर हम लोगों का फोटो पेपर और टीवी में आने वाला है तो खुशी तो होगी ना सर? और सर जब आप चोर करके डालोगे ना तो उसको बड़े अक्षरों में डालिए सर, ताकि लोग हमें पहचान पाए। चुप्पे साले, ए पाउडर देना यार। ए शिवा चलो अच्छे से चेक करो इन सबको, चल चेक करो। ए उठो, सुनाई नहीं दे रहा है? चल चेक कर। सर आपने तो हमारे सारे पैसे ले लिए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ए बहुत हो गया तुम सबका, अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं पकड़ कर लॉकअप में डालो इनको, बैग उठा के ले चलो, चलो चलो। ए चल बच के निकल, चल चल। अरे सर, अरे यार कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हैं अपन को सर? जाने दो ना सर। सर कहाँ? सर सर एक मिनट सर, हमारे पास जो कुछ भी था आपने ले लिया, अब हमें स्टेशन ले जाने की क्या जरूरत है सर? धुलाई करने के लिए, धुलाई। सर अगर आपको धुलाई करनी है ना, यहाँ पे जो दो बकरियाँ है ना, इनकी धुलाई कीजिए सर, हम लोग जरा सा तैयार होके आते हैं। किस लिए रेडी हो गए? चल ना स्टेशन चलते हैं, साहब हमें दारू बिरयानी देंगे, घर में है ही क्या हमारे? चलो स्टेशन चलते हैं। ठीक है सर, सर हम लोग स्टेशन ही चलते हैं सर। पुलिस स्टेशन चलोगे? बिरयानी खानी है, बिरयानी के लिए पुलिस स्टेशन आओगे? जी सर। लो फर्मा वाली, चलो भागे यहाँ से, भागो 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 ना, भागो। अरे बिरयानी मांगा था, लात मार के भेज दिया हमें, कितने कंजूस लोग हैं साले। अरे धक्का मार, खाना नहीं खाया क्या? खाया था मामा ये, लेकिन हो नहीं रहा। हे माचा, अरे डर लग रहा था, अरे अरे कांप रहा था मैं। मामा आपने जो भी प्लान बनाया है ना, बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है मामा। हे माचा, आधे घंटे से देख रहा हूँ मैं, कोई नहीं आया यहाँ पर, इस पर कलर करेंगे तो 3,000 मिल ही जाएगा, इसलिए ले जाकर बेच देते हम इसे, सही है ना आइडिया? मामा 30,000 नहीं मामा, हम जैसे चोरों को भी लाके दोगे ना तो 3,00,000 आपको मिलेंगे। क्या बोल रहा है तो क्या? अरे वो बकरी की निकल भाई। अगर मेरे पास चाबी होती तो हम चोरी क्यों करते? मेरे पास तो साइकिल की चाबी नहीं है, गाड़ी की चाबी कहाँ से आएगी? कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा मामा। अच्छा इस ग्लास का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मामा। क्या करोगे माचा? देखते रहो। क्या क्या ढूंढ रहा है ये, क्या ढूंढ रहा है? शिवू अब क्या है तेरा? ग्लास तो तुम फोड़ दोगे लेकिन गाड़ी कैसे चलाओगे? तुम्हारे पास चाबी कहाँ है? अबे हमारे गांव में जैसे बैलगाड़ी होती है ना, उसे जैसे रस्सी होती है ना, इसे ऐसे कोई घुमाने वाला पहिया होता है, बस इतना सही है। एक्सक्यूज मी, चुप ना यार। माचा मैं तेरा मामा हूँ यार। अच्छा ठीक है बताओ मामा। अरे बचपन से कभी गाड़ी चलाई तो है नहीं, अब कैसे चलाओगे? हो पाएगा तुमसे? मामा तब मैं छोटा था, अब तुम बस देखते जाओ, क्या करूंगा मैं। जय महाकाली। एक्सक्यूज मी प्लीज। अबे चुप ना यार। शिवू शिवू गाड़ी का ओनर आई, ग्लास तोड़ रहे थे क्या? कुछ नहीं सर, बस वो गाड़ी के ग्लास पर मक्खी बैठी थी, इसलिए पत्थर लेके मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। मक्खी बैठी थी इसलिए तोड़ रहे थे? अगर बड़ा चूहा बैठा होता तो सारा ग्लास तोड़ देते। तोड़ देते सर। अरे तुम लोग तो वही लोग हो ना जिन्होंने बैग लूटा था? अच्छा अरे खा लेंगे, पता चल गया। मामा तलवार लेकर आ जरा। अरे तलवार लेकर आ, एक मिनट चलते हैं सर, हम लोग चलते हैं, हमें माफ कर दीजिए सर। चलो अच्छा, चोर कहीं के मेरे पीछे ही पड़े हैं।
सवेरे से मुझे बोले जा रही थी कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, कह कह के मेरा दिमाग खा लिया तुमने। शिवू क्या पूजा? शिवू क्या हम लोग भागकर शादी कर सकते हैं? क्योंकि घर में ना शादी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को बताए बिना गांव छोड़ना बेहतर होगा। देखो पूजा, तुम यूं अचानक मुझसे शादी करने के लिए कहोगी, ये कैसे मुमकिन है? मुझे और मेरे मामा को सोचने के लिए वक्त दो, हम सोच कर बताएंगे। क्या बोलते हो माचा? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शिवू, अब सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तुम जानते हो ना इसका भाई कैसा है, अगर घर में जाकर किसी के कान भर दिए हो ना तो गए हम काम से। इसलिए जल्दी डिसाइड करो शिवू, नहीं तो इसका भी हाल ऐशु जैसा हो जाएगा। ओ, चोरों की फौज यहाँ पे, पता लग गया, पता लग गया। सुनो तुम वहाँ जाओ, मैं आता हूँ। जाओ। ए, तू उसके पीछे क्यों जा रहा है? यहाँ रुक, तू मेरे साथ चलना, रुक यहाँ पे। ठीक है गुरु। ए, क्या चल रहा है तुम लोगों का? पहले आयशु को लेकर तुम लोगों ने बहुत मजा कर लिया, अब पूजा को लेकर क्या उसकी पूजा करने का इरादा है तुम लोग का? मुझे तो लगा मैं इस गांव में बड़े बाप का बेटा हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो लगा तुम लोग भी बहुत बड़े बाप के हो। तू कितना भी थूक दिया फिर भी तुम लोगों को अक्ल नहीं आती है ना? मुझे तो सुबह ही समझ में आ गया था, जब भी तुम नहाकर बाहर निकली तभी मुझे शक हो गया था कि तुम ड्रामा कर रही हो। चलो घर जाओ, बहुत हो गया तुम दोनों का। कहीं भी जाओ, भूतों की तरह पीछा कर लिया। ना होने के बाद भी सबक नहीं मिला इन लोगों को। हे इधर आओ तुम, तुम्हारा काम खत्म हुआ ना, अब चुपचाप यहाँ से घर जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। ठीक है जाता हूँ। बस वह क्यों स्वामी, क्या हाल है तुम्हारा? मेरे पिताजी कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उनको? तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में भर्ती किया है। अरे रे, धत तेरी की। ठीक है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। 100-200 मांगने आया था। ए, पैसे वैसे की बात मेरे से मत करना, अगर रिश्ता ठीक रखना है तो पैसा मत मांगना मेरे से। पैसे भी शुक्रवार है, मैं 10 रुपए भी नहीं देता किसी को। जाओ यहाँ से, निकल। चलता हूँ। कैसे लोग है ये? अरे देखना क्या मस्त आइटम आ रही है। क्यों भैया, पैसे लेने गए थे ना? क्या हुआ, नहीं दिया? नहीं दीदी, आपको पता है ना वो कितना कंजूस है, आज शुक्रवार था इसलिए नहीं दिया। वो अगर पटेल का बेटा कंजूस है तो फिर मैं उसको दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ठीक है दीदी। आज अगर उधार लेकर नहीं आई ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। गुरु हा? वो स्वामी पैसे मांगने आया था ना, ये उसकी बहन है गुरु। ड्रीम के पीछे चले गए हो, पीछे मत आओ। गुरु ड्रीम सीक्वेंस। अच्छा खासा सपना देख रहा था, क्यों सपने से बाहर निकाल दिया? चल आपको कौन सा नाम पसंद है? मुझे चिन्नू नाम बहुत पसंद है। ओ, सच्ची? मेरा नाम भी वही है, घर पर मुझे उसी नाम से बुलाते हैं। एक्चुअली मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा भाई आपसे उधार मांगने आया था। आप दिखने में काफी सुंदर हो, कंजूस भाई का, पर क्या करे आज आप देने के मूड में नहीं है। ठीक है अब मैं चलूं। चिन्ना कौन मैं? ए, मैं खड़ा हूँ ना यहाँ, एक स्टेप पीछे जाओ। नहीं नहीं, खुशी की बातों में बुरा क्यों लगेगा? आई लाइक यू, आई लव यू। मुझे भी। दर्द हुआ क्या? नहीं नहीं, आपकी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनी रहे। शाम को भाई को मेरे घर भेज दो, वैसे मैं पैसे किसी को नहीं देता, लेकिन आज शाम को ठीक 4 बजे मैं तुम्हारे भाई को चेक दे दूंगा, साइन करके उनको दे दूंगा। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। ये तो मेरी है। ए माचा, तुम यहाँ पर लेटे हुए हो, अर्जेंट में हमें क्यों बुलाया तुमने? अच्छा हुआ कोई देख नहीं रहा। मामा यहाँ पे खंबे हैं, वहाँ पे बोरवेल है और वहाँ पे रेलवे ट्रैक है। रात भर आंखें खोल के चौकीदारी कर रहा हूँ मामा। अच्छा, ये सब ले जाके एक लॉरी में भर देंगे और बेच देंगे, ढेर सारा पैसा मिलेगा, काफी दिनों तक हम एंजॉय कर पाएंगे। आइडिया तो अच्छा है भाई। शिवू तुम सबको मेरा साष्टांग प्रणाम, सेंट्रल गवर्नमेंट का है मेरे भाई, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के धोएंगे। मैं इन सब में नहीं हूँ मेरे भाई। तुम चुप बैठो, चोरी करेंगे तो बड़ा ही करेंगे। शिवा तुमने बहुत अच्छा काम किया है,
आज रात को ये सब यहाँ से निकाल देते हैं गुरु, कैसे भी एक लॉरी का इंतजाम करो। आज रात को सब यहाँ से निकाल देंगे, क्या कहते हो? हे माचा, आज रात एक लॉरी का इंतजाम कर देता हूँ, सब यहाँ से निकल जाएंगे। क्या बोलते हो? भगवान, इनको कौन समझाए, ये क्यों हर बार गब्बर सिंह की तरह आ जाता है। हे हमारे लोग, इतने दिनों से छोटी मोटी चोरी चकारी करके अपना गुजारा चला रहे थे, हाँ इस बार कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो? जो कुछ तुम करने की सोच रहे हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कुछ ऊंच नीच हुई ना तो लॉन्ग टर्म के लिए अंदर चले जाओगे। सावधान सावधान रहना। चोर कहीं के इसे कैसे पता चल जाता है हमारा प्लान? घूम फिर कर हमारे पास ही आ जाता है। ये पुलिस की ड्यूटी कर रहा है कि हमारी ड्यूटी कर रहा है? इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। किसी बड़े आदमी की सिफारिश लेकर इसका ट्रांसफर करवा देते हैं, फिर हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा मामा। क्या बोलते हो मामा? बिल्कुल सही बोल रहे हो माचा, यही काम करना पड़ेगा। शिवा, हाँ तो फिर रात में लॉरी का इंतजाम करते हैं क्या? सुन, लॉरी नहीं चाहिए हमें, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का पंगा ही नहीं चाहिए। हम लोगों का जो बन्नूर है ना, हम वही चलते हैं। ए बसवा, जरा इधर आना। लगता है इन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया, मैनेज करना पड़ेगा। ये गंदगी यहाँ क्यों पड़ी है, साफ करो इसे। ये बगीचा है या मशीन का गोडाउन? क्या हुआ बाबा? अरे यार, वो घास वहाँ से निकाल दो, हटाओ, जा करके गाय को दे दो और यहाँ पर सफाई करो। बाबा बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए ना, खड़े रहकर तमाशा देख रहे हो। पैसे कहाँ है? नारियल के पैसे कहाँ था ना, अकाउंट में डाल दूंगा बाबा। अकाउंट में डाला है या कहीं और? अकाउंट में ही तो डाला है। ए मामा, कहाँ जा रही हो? उन मवालियों के साथ घूमने? हमसे छिपछिपा कर जा रही हो उनके साथ घूमने? ए बसवा, भोजन से। ए कहाँ जा रही हो तुम लोग? अगर बाबा बोल रहे हो तो सुनना चाहिए ना। ए इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पता है ना मशीन घर के बारे में, बता दूं सबको? मशीन के बारे में बता दूं इनको? हाँ तो मेरी बिली मुझसे में, मेरे घर वाले मिलके मुझको ही धमकी दे रहे हैं क्या? ठीक है ना, तुम्हारे बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है ना, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या खुसुर फुसुर चल रही है? वो कपड़े लाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। जाओ जाओ, ठीक है ठीक है, जाओ ना। होकर आओ शशि, इससे ऐसे ही डील करना पड़ेगा। सही किया बेटा, बराबर 6 बज रहे हैं, आ गई होगी। देखा, सही टाइम पे आ गया हूँ, इंतजार नहीं करवाया, थोड़ा सेंड देना मुझे। हाँ पकड़ ये सेंड, लेके जाकर बगीचे में जाकर टहलते रहना, मैं काम पटा के आता हूँ। ए सुनना, इधर टाइम ठीक है ना? हाँ सही टाइम है। 6 बजे मुझे बुलाया था ना, देखो ताला मारकर कहाँ गई है। ये अच्छी बात नहीं है, तुम ही बताओ आप क्या करे। अगर हर बार सब फ्री में काम करोगे हाँ तो वो क्या करेगी, फिर वो ताला मारकर चली जाएगी ना। इधर देखो, पूरे पैसे लेकर आया हूँ। लगता है बाथरूम खुला है। देख बाथरूम खुला है, स्नान कर रही होगी, मेरा भी मूड बन गया है, अभी जाकर आता हूँ, मजा आएगा। हाँ मैं भी चलता हूँ। सही, कोई भी नहीं है, चलो वो गधा भी गया, आज मजा करना है। कहाँ गई, दिख नहीं रही हो तुम मामा? ए लुंगी दो मुझे मामा। ए कहाँ गई हो तुम, कितना इंतजार करवाएगी मामा? चलो ए कहाँ गई जाने मन? ए कौन है? अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अरे बचाओ मुझे। सही है ना? मेरे गांव में मुझे पीट रहे हो? मेरा मुंह बंद करके इतनी बुरी तरह मारा है मुझे, मूड खराब हो गया, इतना मारा मुझे, दर्द हो रहा है, बच गया। इसने ही भैया का दिमाग खराब किया था, आने दो। ए, क्या कर रही हो, रंगोली बना रही हो, शिवा को लाइन मार रही हो? तुझे तो आज मैं बताती हूँ, मेरे मना करने के बावजूद कहाँ गए थे तुम इतनी देर? मेरे भैया का ब्रेन वॉश करके मुझसे शादी कर ली, शादी के बाद एक दिन का सुख नहीं मिला मुझे। वो शिवू से शादी करती तो कितना खुश रहती। क्यों कर ली मैंने तुमसे शादी, तुम्हें घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। ए तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है, तेरी ये कौन झगड़ रहा है, सोने भी नहीं देते, क्या चल रहा है? शिवा
हाँ? ये सब क्या है, कुछ तो करो ना। ए शिवू, इसका हर बार का लफड़ा है, तू ही कुछ तो डिसीजन ले ले मेरे भाई। हाँ। मुझ पर हाथ उठाया तुमने, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी। रुको, अपने भैया और बाबा को बताकर सबक सिखाऊंगी तुम्हें। ए, ए, जा चल निकल, तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। फिर से तेरे भाई को 2 लाख दे दूंगा और तेरी बहन से शादी कर लूंगा। आईसु, शादी करके शादी निभानी नहीं आती तो क्यों शादी करते हो? थू, तेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ए, तुम जैसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, बीच रास्ते पे काट देना चाहिए। ए, चल रहे निकल यहाँ से, हमारे मैटर में तू मत घुस, समझा? ए, मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सब जानता हूँ। आईसो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के वजह से ही हम जैसे प्रेमी अलग हो जाते हैं, ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तुम बस हाँ बोल दो आईसो, इसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये पूरी जिंदगी याद रखेगा। छोड़ दो शिवू, रहने दो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, चलती हूँ शिवू। हाँ आईसो, आईसो रुक जाओ आईसो। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम उसकी बहन से प्यार करते हो ना, उसके भाई के मुंह पे 2 लाख फेंकूंगा और उससे भी शादी कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या करते हो तुम। आज तेरा टाइम सही है, बच गया तू। क्या बोला था तूने, उसके मुंह पे पैसा फेंकेगा और उसकी बहन से शादी करेगा, क्या सोचता है तू? अगर तुझमें ताकत है तो शादी करके दिखा, अगर तूने शादी कर ली तो मैं ये गांव छोड़ दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। चल देख लेंगे, चल शिव, चलना चाहिए, चल, चल, चल जान दे, चल चल। फोन नहीं लग रहा है, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटी, बताओ क्या हुआ, तुझे किसने बुलाया? बताओ क्या हुआ। हाँ मेरी बहन, क्या हुआ तुझे? मेरे मना करने के बावजूद उस कृष्णा से शादी करवाई। जब देखो मारता रहता है, दारू पीता है और कहता रहता है तुम्हारी बहन से शादी कर लूंगा भैया, अब मैं वहाँ नहीं रह सकती भैया। रोना नहीं, उस कृष्णा को अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ मैं, चलो तुम लोग अंदर चलो। पूजा, इसका बैग उठा। बाबा आज उस कृष्णा को मैं सबक सिखा दूंगा, पता नहीं मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसके लिए मुझे जेल भी जाना क्यों ना पड़े, आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। चलो रे तुम लोग, आज या तो वो रहेगा या तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। इधर आ बसवा, तुमने तो उन दोनों की शादी करवाई थी ना, देखो ये लड़कियों का मामला है, इसमें तुम अपना दिमाग मत चलाओ, इसका समाधान निकालेंगे, चलो जाओ। देखो आ गया वो, क्या किया तूने, क्यों मेरी बहन को परेशान किया, बोल बोल कृष्णा क्यों किया? छोड़ो बसवा, एक कॉलर छोड़, मैं तेरे बाप को सब कुछ बताता हूँ। बाबा 2 मिनट रुको, मैं बात करता हूँ इससे, मुझे इसे बात करने दो। तू चल चल कृष्णा, मेरा बेटा जरूर कोच करेगा, क्या वो इधर ही आएगा? हाँ पटेल जी, उसको इधर ही बुलाया है। ए पटेल, बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा, हद पार कर रहा है तू, शिवू से दुश्मनी करके तू इस गांव में रह नहीं सकता, समझा? हद तेरी तो, हाँ तेरी खैर नहीं। ए मारो इसे। ए पहले मुझे देखकर कांपा करते थे और अब मुझे रौब दिखा रहे। ए ए कौन है, कौन है, कौन है, ए ए छोड़, कौन है, अरे कौन है मैंने कहा, छोड़ो, छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, ये मुंह ढककर कौन मारा था, मुझे संभल कर रहना होगा, सावधानी दिखानी होगी, पीछे से मार रहे थे, सामने क्यों नहीं आते, हिम्मत है तो सामने से आकर मारे, मुंह ढककर मारते। अरे चलो रे, चलो चलो, वो सब छोड़ो, क्या किया उसका? वो हम लोग से बच के निकल गया पटेल जी। छे, एक तो उन लोगों ने मुझे मारा, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे जगह से निकलना होगा, चलो चलो यहाँ से। ए बच्चा, स्वामी की बहन को कहीं देखा है क्या? नहीं गुरु, नहीं देखा। पता नहीं आज सुबह से दिखी नहीं वो, बहुत बुरा लग रहा है। हाय डार्लिंग। ओ चिन्नो, तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढ तक तुम यहाँ तक आ गई हो। ये दिल की बात है, तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा। सुन बेटा, मेरा दोस्त आया है, हम दोनों को कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, तुम पिछली बार की तरह गार्डन में घूम के आना। हे गुरु, ये मेरा ही घर है गुरु, और मुझे निकाल रहे हो। मेरे लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा घर है क्या? जरा बाहर जाकर आओ, बात करना है उससे।
ठीक है ठीक है, समझता नहीं बात को। और चिन्नू समझता नहीं तू? और अगर बाबा गए तो घर में? ए, मुझसे ज्यादा तुम्हें तुम्हारी घर की फिक्र है, तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं देख लूंगा, जाओ जाओ यार। ओ ठीक है गुरु, चलता हूँ। चिन्नू मैं अकेला हूँ। क्यों कल घर की तरफ आए नहीं? हाँ वो बाबा घर पे था इसीलिए कहीं नहीं गया मैं। तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? चिन्नू तुम्हारी याद में ठीक से खाना नहीं खा रहा हूँ, रात में नींद नहीं आ रही है, बाथरूम भी आ रहा तो नहीं जा रहा हूँ। क्या बाथरूम में मेरी याद? सपने की बात कर रहा हूँ मैं। ओ अच्छा ठीक है छोड़ो, मैं सपने में भी नहीं आऊंगी। चिन्नू अगर तुम ऐसे बोलोगी तो कैसे चलेगा? यहाँ नहीं, अरे यहाँ। तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो। वो रहने दो, एक काम करते हैं, हमेशा यहाँ वहाँ मिलने से शादी कर लेते हैं, फिर हम साथ में रह सकते हैं ना। चिन्ना मेरी बात ध्यान से सुनो, शादी के बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। नहीं आज मूड नहीं है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डाल देता हूँ जूस कहीं कौन देखती हूँ। जानू ये चेन है ना? पिताजी का है। हाँ लेकिन तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, ये छोटी चेन है ना, अगर तुम ये चेन मुझे दे दोगे ना तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो मेरे पिताजी का है ना? कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगा मैं, तुम ये रख लो, खुश रहो। चलो वो तुम्हें कुछ चेक करना था ना, चलो अंदर। चलो पटेल जी, किस गहन चिंता में पड़े हैं? बाबा अभी घर पे नहीं है, ये आने वाली थी बोल के अब तक नहीं आई, अब कैसा चलेगा? मूड की मेरी बैंड बज रही है। ओ सुशीला, कौन सकू है क्या? मंजू तो नहीं आ गई? ओ चिन्नू, वाह क्या सही टाइम पे आई हो, वैसे भी कोई नहीं है घर पे। बसवा मुझे तुमसे बात करनी है। कृष्णा जब भी मैं हाथ लगाने की कोशिश करता हूँ तुम हमेशा टाइम पे पहुँच जाते हो, ऐसा कैसा चलेगा बोलना? एक बात तो मेरे समझ में नहीं आता, तुम मेरी रखवाली करते हो या पूरे गांव की रखवाली करते हो बोलना? दीदी ये क्या दीदी, तुम इसके बारे में जानते हुए भी तुम इसके साथ में हो? क्या करूँ अभी, मुझे इनसे प्यार हो गया है, अगर ये नहीं रहे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी जान टेंशन मत लो ना। ए स्वामी सुनो दोनों, ए कृष्णा तुम्हारा जो भी काम है वो मैं घर पे आके कर दूंगा। सिर्फ 5 मिनट कुछ जरूरी है? या नहीं बोला ना, घर पे आके करता हूँ, चलो यहाँ से तुम लोग दोनों। ठीक है आ जाओ, निकलो यहाँ से। ए चलो। ए स्वामी इधर आओ, मैं और तुम्हारी बहन एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और एक दूसरे से हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम्हारी बहन की लाइफ सेटल कर दूंगा और तुम्हारी लाइफ भी सेटल कर दूंगा। मेरी बहन पढ़ाई खत्म करके शहर से आई है, उससे तुम्हारी शादी की बात करके तुम्हारी भी शादी कर दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी से भी नहीं कहना, और वो चोर कृष्णा को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी तेरी बहन से मुझे कुछ पर्सनल काम है, ठीक है? अब तुम जाओ। ठीक है ना चिन्ना? कितने अच्छे हो ना। चलो चलो मुझे अभी उठाओ। मजा आ गया। बाबा आए मैं मैनेज कर लूंगा। यही घर है, ठीक से देख लेना। हाँ वो बाबा, वो मशीन खराब हो गया था ना, वही ठीक करवा रहा था। यही घर है पूछ रही थी तो पूरा घर इसे दिखा दिया। भाड़ा कितना है पूछ रही थी तो मैंने कहा कि बाबा से पूछकर बता दूंगा, इतना ही। अच्छा आप चलिए मैडम यहाँ से। ए ये कौन है? अरे मैडम कहाँ ना चलो आप। ए रुको, चलो यहाँ खड़ी हो। ए बसवा
मशीन का घर तो खराब कर दिया, अब क्या बागीचे का घर खराब करोगे? बाबा आप मुझसे ऐसे बात मत करो, भले ही मेरी जबान सही नहीं है लेकिन ये जान लो मैं आपका बेटा हूँ, सबके सामने बेइज्जती मत करो। मामा ये कौन है पता है? वो स्वामी है ना। शशि स्वामी की तुम कुछ मत बोलो। ए मैडम आप जाओ यहाँ से। शशि तुम चुप करो, तुमसे बात करनी है। बाबा आप आराम कीजिए। कुछ तो चल रहा है। छोड़। ए बसवा क्या खुसुर बुसुर कर रहा है? बाबा आप अंदर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखो ना तुम मेरी बात किसी को बताना, ना मैं तुम्हारी बात किसी को बताऊंगा। अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो आयशु की जो हालत है वही हालत तुम्हारी करूंगा, समझ जाओ और चलो यहाँ से। पता नहीं क्या होने वाला है। क्या हुआ आज भाई बहन दोनों यहाँ पर आ गए? आखिर बात क्या है, क्या समाचार है? इतनी अर्जेंट में मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? हाँ बहुत अर्जेंट है, सोना चांदी बहुत हो गया। तुमसे क्या बात करना? तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे, पता चला मुझे। ये गले की सोने की चेन मुझे दे दो और 10 एकड़ जमीन मेरे नाम पे लिख दो बस। क्या तुम लोग दोनों मिलके मुझे ब्लैकमेल करने वाले हो? वो कृष्णा भी वहाँ 2 लाख देकर मेरी बहन को लेकर रफू चक्कर हो गया, अभी तुम धमकी दे रहे हो। मेरे बाबा ने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ये सब नाटक छोड़ो अभी। ए, होगा या नहीं इतना बोल दे। दीदी इनसे क्यों बात कर रही हो? चलो ससुर जी से बात करें। तुम सही कह रहे थे, चलो बात सुनो मेरी। अभी आकर दोनों बहन भाई बोल रहे थे कि मुझे 10 एकड़ जमीन चाहिए और चैन चाहिए, ऐसा बोलेगी तो कैसा चलेगा? उसका बंदोबस्त मैं कल कर दूंगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, बोलो होगा कि नहीं बोल दे मुझे। अरे तुम दोनों ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लो चैन पकड़ो अभी यहाँ से। जमीन ना रही जमीन की बात, जमीन का भी इंतजाम हो जाएगा, ठीक है? अभी आए ना लाइन पर। तुम्हें करने के लिए और कोई काम नहीं क्या कृष्णा? हमेशा की तरह मुझे सूंघते हुए मेरे पीछे आ जाते हो तुम। मेरी तो आधी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब क्या चाहिए तुम्हें? देखो बसवा तुम्हारी एक बहन से शादी हो गई, 2 साल हो गए लेकिन मेरी जिंदगी झंड हो गई। पूरा गांव कहता है बच्चा नहीं हुआ बच्चा नहीं हुआ। एक काम करता 2 लाख रुपए देता हूँ, तुम्हारी दूसरी बहन से भी शादी। तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही है, जूते निकाल के मारूंगा। सही से बोलना सीखो। क्या मैं नहीं सुनूंगा? क्या बात है बोलो। देखो अगर हम पैसे डालकर शादी करेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, उसके बदले वो सामने से पैसे दे रहा है, कर दो तुम। वो पैसे मुझे दे दो और हम दोनों प्यार से रहेंगे। ठीक है समझ गया। अच्छा तो सुन कृष्णा, वक्त आने पर बाबा के कान में बात डाल दूंगा, तेरा काम हो जाएगा, समझा? अब जाओ। शाबाश बसवा शाबाश। ये लोग कहाँ से आ गए यार? अगर ऐसे लोगों की बहन बनकर पैदा होना पड़े तो उनकी लाइफ बर्बाद है। ऑलरेडी आयशु की लाइफ बर्बाद हो गई है, अब नेक्स्ट पूजा की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कल जो पहले 2 लाख रुपए देगा ये उसकी शादी शशि से करवाने की प्लानिंग कर रखी है। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए मामा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा मामा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ए हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? देखा पूजा ये तेरे भाई का असली चेहरा है, ध्यान से देख ले। चल तेरे बाबा को जाकर सारी बातें बताते हैं, वही इसके कान पकड़ेंगे। पकड़ लेंगे। चलो। अबे बसवा रुक जा। क्या हुआ? लगता है दोनों किसी समझौते के लिए आए हो। जिंदगी में कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मचा क्या देख रहे हो, बताओ इसे। छोड़ो मुझे। बताते हैं तुझे। क्या गुरु? इसकी ले जाकर धुलाई कर दो, चाहे कितना भी खर्चा लग जाए, इसका ऑपरेशन करा दो, जाओ। ठीक है गुरु। पकड़ो डालो इसको गाड़ी में ले जाओ। दरवाजा खोलो, डालो चल, डालो चल, इसको अंदर चल, अंदर घुसाओ इसको अंदर चल। सुन इसको हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेशन करवा के मुझे फोन करना, फिर मैं तुझसे बात करूंगा। ठीक है। और ये बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है अब तू जा। अच्छा ये प्लान भी सक्सेस हुआ। सही है ना? ये जो बसवा है ना आगे किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा मामा। बहुत बढ़िया काम किया हमने माचा। चलो मामा चलते हैं अब। जय हिंद सर। जय हिंद। आपने हमें याद किया, किस लिए बुलाया है? पटेल जी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए पटेल जी क्या बात है? मेरा बेटा पिछले 2-3 दिनों से गायब है, मुझे कुछ शक हो रहा है उन मवालियों के साथ उसने कुछ गलत ना कर दिया हो, जरा पूछताछ करिए ना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उन्हें उठाकर 2-4 लगाऊंगा तो वो लोग मुंह खोल देंगे, बाद में आकर आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। पटेल जी चलता हूँ। ठीक है साहब। ठीक है पटेल जी, वो सब ख्याल रख लेगा। हाँ हाँ ठीक है। ओके ठीक।
अब ये क्यों रो रही है? क्या इन्हें बसवा के बारे में पता चल गया क्या? मेरी बीवी भी इस समय गांव में नहीं है। पापा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। भैया ने जरूर कोई गलत काम किया होगा, इसलिए मुंह छुपा रहे हैं। आ जाएंगे, छोड़ो पापा। हाँ मामा, आप जैसा सोचते हैं ना, बसवा उतना अच्छा आदमी नहीं है। वो स्वामी है ना, उसकी बहन के साथ मशीन घर में और बगीचे में रंगरलिया मनाता रहता है। ऐसे ही लड़कियों पर उसने दो चेने लुटा दी है। 10 एकड़ जमीन भी उसके नाम पे करने वाला है। सच बोल रही हो क्या? बताओ ऐशु, तुम तो सब जानती हो ना। बाबा, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला और कोई नहीं, भैया ही है। कृष्णा से उसने 2 लाख उधार लिया था, इसलिए जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा ली। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे पहले से उस पर शक था। हमेशा मशीन के घर में ही पड़ा रहता था, बाद में इस बगीचे वाले घर पर भी आता था। ठीक है, जाओ तुम लोग अंदर जाओ। चलो, अब तो इन्हें समझ में आ गया ना। बस ओ आओ बेटा आओ, अभी बताता हूँ तुमको। माँ, बाहर खड़े खड़े धूप में पक गया मैं। क्यों, कुछ नया ड्रामा कर रहा है क्या? जल जल के पक गया अम्मा। अरे क्या हुआ, क्यों सो गया? बाबा, भैया आ गए हैं ना, आपको कुछ पूछना था ना तो पूछो। ये कुछ ड्रामा करके सो गया है। मामा, आप पूछिए ना, इस तरह खामोश क्यों बैठे हुए हैं? 2 दिन कहाँ था, पूछिए इससे। आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा, इसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। ए बसवा, बता क्या हुआ है? सुनिए जी, वो अभी थक कर आया है ना, तो चुप रहिए ना। पटेल क्या बेवकूफ है, इसे कुछ भी नहीं पता है, आज तो पूछना ही पड़ेगा। ए बसवा जी, आप रहने दीजिए, मैं पूछती हूँ। पूछो पूछो बसवा। माँ, ए बसवा, तुम्हारे बाबा कुछ पूछ रहे, उनको उठकर जवाब दो ना। माँ, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ मेरे दुश्मन को भी ना मिले, उतना दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने दवा भी लिख के दिया है। डॉक्टर ने दवाइयाँ भी दी है, तो शायद दर्द कम हो जाएगा। मुर्गी के पैर की तरह तोड़ दिया है, पता नहीं डर जाएगा कि नहीं। डर जाएगा कि नहीं माँ। ए बसवा, चल उठ जा, उठ कर भाग। बाबा हाँ, आप लोग सब साथ में बैठे तभी मुझे पता लगा कि आप लोग मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। आज तक आप लोग ने बड़े बड़े कहानी सुने होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ी कहानी सुनाने वाला हूँ। हमेशा 2-2 घंटे की कहानी सुनाता था, लेकिन आज 4 घंटे की कहानी सुनाने वाला। सुन लो सब, क्या तुम सुनोगे 4 घंटे की कहानी? पूरा प्लान करके आया ये। अरे, इसका तो रोज का यही रोना गाना है, चलो चलते हैं यहाँ से। कुछ भी बोलता है। 4 घंटा 4 घंटा मैं नहीं सुनना। पापा तुम तो सुनो 4 घंटे की। पापा को तो सुनना ही पड़ेगा। बेटा, तुमने 2-2 कर कर 4-4 कहानियाँ सुना दी है, अब ना तुम चुपचाप सो जाओ, सो जाओ। हे भगवान। हे बसवा, अब आप चुप रहिए ना। फोन कट करना। उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, गांव में मेरा नाम खराब कर दिया। तू कितने शान से रहता था मैं, गांव के बच्चे भी इज्जत नहीं करते, हंस के देखते हैं, क्या जिंदगी हो गई मेरी। तू, मैंने लड़के वालों को बुलाया है, अंदर ले जाकर के तैयार करो इसे। इसका तो जीवन बर्बाद हो गया, उसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पूजा, तुझे जो बोलना है ना जल्दी बोल, हमें देर हो रही है, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बोल। माँ, ये सब क्या? हम उनसे बहुत प्यार करते हैं माँ, उनके बगैर हम नहीं जिंदा रह सकते हैं। इसी वजह से दीदी की भी जिंदगी खराब हो गई थी। हमारे साथ ऐसा मत करो माँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ माँ, हमें ढूंढने की कोशिश भी मत करना। गुड बाय। मामा, मामी, अब हम चलते हैं। हमारे घर की लड़कियाँ हमारे सामने ही घर हम जा रहे हैं। बसवा, ए तुम चुप रह सकते हो, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। मुझसे अगर अन्याय हुआ है तो भी चलेगा, लेकिन मुझसे दुश्मनी लेकर कोई कैसे जिंदा रह सकता है? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मामा, ये दोनों आ गई हैं, अब हम क्या करें? चलो ने घर ले जाते हैं, अब से हमारी हैं। वो है ना पटेल,
और वो बसवा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। चलो चलते हैं। चलो मामा चलते हैं, बैग दो मुझे। नमस्कार। नमस्ते धर्मा, बोलो। आज तक आपने हमें बिना काम नहीं बुलाया है, या तो किसी को उठाने के लिए या मारने के लिए। मेरी फीस तो आप जानते ही हो, ठीक है ना? धर्मा, बात यह है, दो आवारा लड़कों को तुम्हें उठाना है। मेरी बेटियों को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरी कंडीशन है। डरने की बात नहीं है, आपके घर की बच्चियाँ सेफली आपके घर पहुँच जाएंगी। ऐसे कितने लोगों को मैंने अलग किया है, दफनाया है, उस गिनती में एक ये भी शामिल हो जाएगा। ये लो। मामा, कब तक हम यूं मुंह छुपा कर फिरते रहेंगे? इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। शादी के लिए जो चीज जरूरी है वो मैं लेके आता हूँ। तब तक तुम इन दोनों का ख्याल रखना मामा, क्योंकि पटेल और उसका बेटा इन दोनों को सब जगह ढूंढ रहे होंगे। अच्छा, ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ। नहीं मामा, आप यहीं रुको, मैं जाके आता हूँ। ठीक है। शिवू, थोड़ा जल्दी आना। शिवू, आते वक्त कुछ खाने के लिए लाना, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है शशि। हाँ अच्छा, ठीक है, जगह सेम है। ठीक है, आपको जो भी चाहिए। ये लोग यहाँ पर हैं मामा, फोन करता हूँ और सबको यहाँ बुला। अभी आता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। ठीक है, ठीक है, चलता हूँ मैं। शिवू, शिवू संभल कर, जल्दी आना। वो यही लोग है भाई। पटेल जी ने मुझे तुम्हारी सुपारी दी है। मुझे ईमानदारी से काम करने की आदत है, मैं चुपचाप तुम्हें शूट करूंगा। मेरा सहयोग करो। हाँ, बकवास बंद करो। इसका क्या होगा? नहीं बचा। मामा, मामा उठो, मामा उठो। ये नहीं, ये क्या हो सकता? ए, कौन हो तुम लोग? हाँ, अगर शिवू यहाँ आ गया ना तो तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देगा, देख लेना तुम लोग। पापी कहीं के शिवू आएंगे, तांडव करेंगे। मैंने पटेल को वादा किया था, बेचारी हुई ना बेचारी, है ना? पूजा, पूजा भाग जाए यहाँ से, पूजा जल्दी। मुझे माफ कर दो। कहाँ भागती है? चले। हाँ बॉस। पटेल को जो वादा किया था वो हमने पूरा नहीं किया, उनको पैसे वापस कर दो। हमारे चार लोगों को अंदर करवाने के लिए बोल दो। यस बॉस। बी केयरफुल, ठीक है? ओके। शायद मैं लेट हो गया, इनको भूख लग रही होगी। अरे शशि, शशि, मामा, मामा, क्या हुआ मामा? शशि, पूजा, पूजा, मामा, क्या हुआ मामा? शशि, पूजा, 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 कहाँ पूजा? पूजा, पूजा, कहाँ पूजा? पूजा, कहाँ हो पूजा? क्या हुआ तुम्हें पूजा? कहाँ हो तुम पूजा? कहाँ हो पूजा? हाँ पूजा, 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 क्या हुआ पूजा तुम्हें? उठो पूजा, आंखें खोलो। इन सब के पीछे पटेल और बसवा ही होंगे। मेरा मामा ही नहीं रहा तो अब जी के क्या फायदा? लेकिन उस पटेल और उस बसवा को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उनको मार के ही मैं दम लूंगा। आज उन दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। ए बसवा। हाँ बाबा। धर्मा आया क्या? उसने अब तक काम खत्म कर दिया होगा। काम खत्म करके यही आने वाला था, वो आता ही होगा। वो टाइम तो हो चुका है,
उसने अब तक उन दोनों मवालियों को खत्म कर दिया होगा। जाओ मेरी बेटी को लेकर के आओ, जाओ। ओके पटेल जी। हाँ पटेल जी, वो इधर ही आ रहा है। ओ, वो यहाँ आ रहा है। ए पटेल, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज मैं तुम सबको मार दूंगा। या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर मैं जिंदा रहूंगा। आ जाओ सालों, पूरे गांव को मैं जंग का मैदान बना दूंगा। आ जाओ। ए जाओ, मारो से, मारो, जाओ। ए पटेल, अगर तुम में से एक भी बच गया, मेरे मामा की कसम, या तो मैं जिंदा रहूंगा या फिर तुम जिंदा रहोगे। आ जाओ सालो। ए, देख क्या रहे हो, जाकर तलवार लेकर आओ। तलवार निकालो, इसे मारो, उसे। ए, जाओ मारो से, मारो। बेटा बेटा बेटा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मत मारो, मत मारो। तूने मेरे मामा को मारा है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं, आ! आ! मत कर, छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। या, या, मुझे शिवा। मर गया साला। छोड़ दो उसे, आखिर में उसको उसके किए की सजा मिली गई। हमने अपना काम कर दिया, लेकिन अब भगवान को उसका काम करने दो। आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ ठीक है, इतने दिनों तक बुराई को सपोर्ट कर रहे थे कहा। और अब अच्छाई को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, इन सब का कारण कृष्णा ही है। किसी ना किसी केस में पकड़कर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। चलिए, जिस गांव में मेरे मामा नहीं है उस गांव में मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। जानते हैं आप, मुझे और मेरे साहब को लगा कि पटेल को सपोर्ट करके हमने गलती की है। ठीक है, यह आपने फिर से गाड़ी क्यों रोक दी सर? दरअसल शिव के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। अगर मेरे हाथों में पावर होता तो मैं उसे जरूर न्याय दिलाता। सर मीटिंग का टाइम हो रहा है, अगर हम यहाँ ऐसे इंतजार करें तो मीटिंग का वक्त निकल जाएगा। चलो चलो चलते हैं।